लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैसे हो गया आनंद? क्या हुआ? होली को कौन टाल सकता है नीला? सामान पैक करो, हमें अभी निकलना होगा। सुभाष को तो खबर कर दो। क्या सिर्फ चार? सिर्फ चार ही टिकटें कंफर्म हुई है। कैंसिल करो, पूना की किसी और फ्लाइट में कोशिश करके देखो। जाना तो हम लोगों को साथ ही है, तो फिर ये ट्रेन और प्लेन का झंझट छोड़ो, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर निकल पड़ते हैं। भैया की तबीयत कैसी डॉक्टर? हालत सीरियस है। कल रात वो अचानक बेहोश हो गए। जब सांस उखड़ने लगी और नब्ज डूबने लगी तो मैंने राम सिंह से कहकर आप लोगों को बंबई फोन करवा दिया। लेकिन बड़े भैया को ये अचानक क्या हो गया? हाँ। कुछ महीने पहले उन्हें एक पैरालिटिक अटैक हुआ था। क्या पैरालिटिक अटैक? राम सिंह, तुमने किसी को बताया तक नहीं? साहब का हुक्म था कि आप लोगों को तकलीफ ना दी जाए। दीनानाथ जी को यह सदमा बर्दाश्त करने में हफ्ता 10 दिन लग गए, क्योंकि वो लकवे का शिकार हो चुके हैं। मतलब वो अब कभी नहीं चल पाएंगे? नहीं डॉक्टर साहब, बड़े भाई साहब की जिंदगी आउट ऑफ डेंजर तो है ना? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने दवाई दी है, उनका असर हुआ और रात भर में हालत सुधरी तो उम्मीद बांधी जा सकती है, वरना फिर मैं कल सवेरे आ ही रहा हूं। ओके बाय। बड़े भाई, आपके साथ इतना कुछ हुआ और आपने हमें बताया तक नहीं। यानी कि हम अपने बड़े भाई को कभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ नहीं देख पाएंगे? तुम सब संभालो अपने आप को। प्रवेश, सुभाष, हे अर्शद, हे, अगर हम सब लोग इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो भाई साहब की हिम्मत कौन बढ़ाएगा? हैं? जाओ जाके आराम करो, सफर के बाद थक गए होंगे। मैं बैठता हूँ यहाँ भाई साहब के पास। आनंद भैया, आप चलकर आराम कीजिए, मैं बैठती हूँ। वैसे भी बड़ों की सेवा करना हम छोटों का धर्म है। मेरी बात मानिए, आप लोग सब चलकर आराम कीजिए, मैं हूं ना साहब की देखभाल के लिए। राम सिंह, तुम तो कितने सालों से जेठ जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो, अब ये फर्ज तो हम सबका बनता है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, कम से कम चलकर कुछ खा तो लीजिए। कैसी बातें कर रहे हो राम सिंह? भैया यहाँ पर भूखे प्यासे बेहोश पड़े हैं और हम वहां बैठ के खाना खा लें? हमारी हलक के नीचे निवाला कैसे जाएगा? तुम इन बच्चों को ले जाकर खाना खिला दो। मैं और शैला यहां भैया के पास बैठते हैं। और हां, आप सब लोग भी जाकर भगवान से दुआ कीजिए कि भैया जल्दी ठीक हो जाएं।
रमेश भैया ऊपर वाले ने हम सब की सुन ली, साहब को होश आ गया है। सुभाष भैया साहब को होश आ गया है। हर्षद भैया साहब को होश आ गया है। अरे तुम सब यहाँ, ये सपना है या हकीकत? यही हकीकत है हमारी दुनिया के बड़े भाई, हम पांच भाई। लेकिन ये अचानक तुम लोग इकट्ठे कैसे आ गए? भाई साहब, हम लोग कल से अपनी सांस रोके हुए थे, जब से आपकी तबीयत का पता चला था। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? भैया, आप डेढ़ दिन से बेहोश पड़े हुए थे। अच्छा, अरे इतनी लंबी उम्र में एक डेढ़ दिन की फजूल खर्ची चलती है रे? होश में तो पूरी सारी उम्र गुजार दी। भैया, डॉक्टर साहब बहुत परेशान थे, उन्होंने हमें बुलवाया। अरे तुम सबको एक साथ बुलाने का ये नुस्खा मुझे पता होता तो मैं पहले ही आजमा लेता। हर साल एक बार बेहोश। बड़े भैया, हाँ, हम सब आपसे बहुत नाराज हैं। आपको इतना बड़ा पैरालिसिस का अटैक पड़ा और आपने हमें खबर तक नहीं की। अरे वो अटैक तो एक नाटक था, दुनिया भर की सारी कारें चलाकर देख चुका था। अब ऐसी चाहता था जो कि घर में भी चल सके, तो ले आया, वो देखो। लेकिन भैया, कम से कम हमें बताया तो होता। अरे तुम लोग अपने अपने कारोबार में लगे हो, ये सुनकर खामखा परेशान हो जाते। बड़े भैया, धिकार ऐसे कारोबार पर जो हम आपके लिए थोड़ा सा वक्त भी ना निकाल पाए। अरे बस, ये लड़की कौन है, इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या अपने साथ नर्स भी ले आए हो? नहीं भैया, ये नर्स नहीं, ये हर्षद के दर्दे दिल की दवा है। अच्छा, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अरे आप नजरें झुकाए क्यों खड़े हो लल्ला? भैया को बता दो ना कि ये उनकी सबसे छोटी बहू है। बहू? तूने शादी कर ली हर्षद? किसी को पता तक नहीं चला बड़े भैया, भागकर शादी की है। बंबई में भागकर शादी होती है? अरे अपने जमाने में तो साथ फेरे लेकर होती थी। आनंद, तेरा भाई इस साल भी नहीं आया ना, लगता है प्रभाकर मुझे इस जन्म में माफ नहीं करेगा। अरे दीनानाथ, कमाल है, तुझे होश आ गया। अरे ये होश तेरी वजह से नहीं आया है। आप सुबह सुबह अपनी ये दुकान मत खोल। मैं अगर अपनी ये दुकान ना खोलता ना, तो तुम सामान बांधकर कब के निकल लेते। अब जरा चेकअप कर लें दो। ये मेरा चेकअप नहीं कर रहा है, अपना चेक कैश कर रहा है ये कमबख्त डॉक्टर। पता नहीं मुझे कब तक जिंदा रखना चाहता है, लेकिन जब तक ये जिंदा है ना, अपना मरने का कोई चांस नहीं। भैया प्लीज, ऐसी बातें मत कीजिए। अरे होने को कौन टाल सकता है। कमाल है दीनानाथ, क्या होश आया है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल, लगता है तेरे भाइयों और बहुओं को यहां देखकर तेरी बीमारी भाग गई। वैसे भी इतनी आबाद दुनिया में किसी बीमारी को एंट्री कैसे मिल सकती है। नजर मत लगा। तुम कहां जा रही हो? मैं भगवान को हाथ जोड़ने जा रही हूं, अपने भैया जो ठीक हो गए। आहा, तेरी तकदीर भी सिकंदर है दीनानाथ, चारों भाइयों का प्यार तो मिला ही है, चारों बहुएं भी कितना ख्याल रखती है तेरा। तेरी इकलौती जिंदगी ऐसी देखी है मैंने जिसमें कोई कमी नहीं। कमी है डॉक्टर, पिछले 15 साल से कमी है। तेरी मेरी जिंदगी वक्त का
साज है एक पल खुश है तो एक पल नाराज है तेरी मेरी जिंदगी वक्त का साज है एक पल खुश है तो एक पल आप उन्हें याद करके क्यों उदास होते हैं? एक ही तो दुख है जो दिल में अटका हुआ है। प्रभाकर को जाने क्या सुख मिल गया मुझे ये दुख देकर, वो भी एक मामूली से झगड़े की वजह से। अरे उसे जाना था तो चला जाता, अगर साथ में अपने बेटे अमर को भी ले गया जिसमें मेरी जान बसी हुई है। ना लौट कर आया, ना पता ना खबर, अमर के बगैर ये आलीशान महल एक वीरान मकबरा सा लगता है। इस उम्र में और ये गम, कितने बेबस, कितने लाचार, कितने मजबूर लग रहे थे बड़े भैया। मेरा दिल तो अभी तक भैया के आंसू देखकर रो रहा है। लेकिन सुभाष, अब डूबते हुए सूरज को सुबह की झलक कहां से दिखाएं? दिल में जब ऐसी ख्वाहिश जिंदा रह जाती है तो चिता की आग में भी राख नहीं मिलती। आप लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? भैया की ख्वाहिश पूरी करने का कोई तो जरिया होगा। प्रभाकर भैया की कमी तो आप लोग पूरी कर देंगे, लेकिन उन्हें अमर की याद भी तो बहुत सताती है। क्यों ना हम अमर की ये कमी अपने बच्चों से पूरी कर दें? बच्चे अगर भैया के आस पास रहेंगे तो शायद वो अमर को इतना याद ना करें। हाँ भाभी जी, बात सही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। भाई एक और अब किसी ये तो आप, मैं आपका खाना लेके आऊं? हाँ नहीं, लेकिन ये सब लोग कहाँ खा रहे हैं? डाइनिंग हॉल में। मैं भी इन्हीं लोगों के साथ डाइनिंग हॉल में खाऊंगा। लेकिन भैया तुम लोग चुप रहो, मैंने कह दिया ना मैं वहीं खाऊंगा। हैं सुंदर जी, आज क्या मंगलवार है? जी नहीं। तो फिर ये टेबल पर सब सब्जियां ही सब्जियां, वो भी हरी हरी हरी। साहब मेरी गलती नहीं है, आज मैंने खाना नहीं बनाया, ये सब आपके बहुओं ने अपने हाथों से बनाया है। भैया वो क्या है कि आज हमने आपके लिए सिर्फ हरी सब्जियां ही बनाई है। भैया डॉक्टर की खास हिदायत थी ये। हाँ अच्छा अच्छा वाह 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 वाह, जरा वो पीली सब्जी देना आनंद जी। भाई वही रसोई, वही बर्तन, वही मसाले, वही सब्जी, फिर हमारे यहाँ ये रोज इतना जायकेदार खाना क्यों नहीं बनता था? साहब हाँ, टिकट कटा लूं? टिकट कहाँ का? गांव जाने की। क्यों? आपसे बहुओं के हाथ का बना हुआ खाना आपकी जवान पर चढ़ जाएगा, फिर मेरा यहाँ क्या काम? अरे नहीं नहीं, तेरी भी कभी कभी जरूरत पड़ेगी, जब कभी बुरा खाने को जी किया तो। लो भाई सब लोग लो खाना लो। अरे विनोद आओ आओ। नहीं नहीं ठीक है सर, मैं बाद में आ जाता। अरे आ जाओ, आओ आओ। हाँ बोलो क्या काम है? सर ईडीसी के जो शेयर्स हैं उसकी कीमत आसमान छूने वाली है, और आज उसको खरीदने की आखिरी तारीख है। हाँ तो ठीक है, 20 लाख के खरीद लेते हैं। राम सिंह विनोद को तिजोरी में से 20 लाख दे दो। लेकिन दीवान साहब तिजोरी में तो सिर्फ 5 लाख रुपए बचे हैं। 5 लाख? जी लेकिन उसमें तो 20 लाख थे। खैर कैश का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। भैया मैं कुछ इंतजाम करूं, सुबह तक पहुंच जाएगा। हाँ भैया। अरे तुम लोग आराम से खाना खाओ, 15 लाख रुपया तो 15 मिनट की बात है। विनोद जी तुम बैंक के मैनेजर अपने दास गुप्ता है ना जी सर, उनसे जाकर कैश ले लो। मैंने तुम्हें वो ब्लैंक चेक दिए थे ना साइन करके। हाँ सर। हाँ और राम सिंह जी वो तिजोरी में से 5 लाख रुपए इन्हें दे दो जी। चाबी तो तुम्हारे ही पास है ना जी। जाओ 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 जल्दी करो। ये राम सिंह भी मेरी तरह भुलक्कड़ है, रुपया रखता कहीं है ढूंढता कहीं है,
कभी कारपेट के नीचे, कभी गद्दों के नीचे। मैं सच कहता हूं कि अगर इस घर की अच्छी तरह तलाशी लो तो 20-25 लाख रुपया तो निकल ही आएगा। पानी पानी पानी। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों का बिजनेस कैसा चल रहा है? बड़े भैया आपकी दुआ से मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वेरी गुड। लेकिन अगर अपनी और अपने देश की भलाई चाहते हो तो एक्सपोर्ट ज्यादा करना, इंपोर्ट कम। चलो खाना खाओ। सुभाष भैया आपके लिए बॉम्बे से अर्जेंट फोन है। हेलो, हाँ मैं सुभाष बोल रहा हूं। हाँ अचानक मुझे पुणे आना पड़ा। क्या यार तुम लोग उसे को काम संभलता ही नहीं है? हाँ नहीं मैं नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। मेरे भैया की अचानक तबीयत खराब हो गई है, मैं उन्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं आ सकता, चाहे तुम्हें काम ही क्यों ना रोकना पड़े। हाँ देखो आगे से मुझे आने के लिए कभी मत कहना, समझे? अरे सुभाष अगर कोई जरूरी काम है तो चले जाओ। कैसी बातें करते हैं आप? एक बात बताइए भैया, कोई भी धंधा अपने देवता से तो बड़ा नहीं ना हो सकता। देखिए भैया, जब तक मुझे आपकी सेहत की तसल्ली नहीं हो जाती मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बच्चों की पढ़ाई, स्कूल। भैया 2 दिन बाद दिवाली है, फिर दिवाली की छुट्टियां भी, और इस बार हम दिवाली भैया के साथ धूमधाम से मनाएंगे। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान। भाई साहब भले ही अमर की रगों में मेरा खून दौड़ता है लेकिन इसके सीने में तो आप ही का दिल धड़कता है। पर भाकर इस खानदान को तूने जो ये अमर नाम का तोहफा दिया है वो दीवान दीनानाथ की कमाई हुई सारी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। अरे ये तो मेरी एक एक सांस में बस गया है। अमर ये सब देख रहा है ना, देख कितना बड़ा ऑफिस है। कितने लोग यहाँ काम करते हैं। जिस दिन तू इतना बड़ा हो गया ना ये सारे कारोबार का मालिक तू होगा। अब जल्दी से बड़ा हो जा। अरे रुक जा, मेरी बात तो सुन। तुझे क्या हो गया प्रभाकर? तेरी हर बात हर दलील ये साबित करती है कि आप तू मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारनी है। आपके उसूल, आपके आदर्श और आपकी दौलत का बोझ अगर मेरे सर पर रहा ना तो मैं जमीन में धस कर रह जाऊंगा। मुझे यहां से जाना ही है। ठीक है तुझे अगर जाना है तो जा, लेकिन अमर मेरे पास ही रहेगा। भाई साहब आपके पास तो काफी दौलत है अपनी तरह जिंदगी गुजारने के लिए, मेरा सहारा तो सिर्फ ये अमर है। प्रभाकर, प्रभाकर। भाई साहब आज दिवाली के दिन आपकी आंखों में आंसू? इन आंखों में सिर्फ आज के दिन ही आंसू आते हैं बहू। पिछले 15 साल से हर दिवाली को ये रस्म निभा रहा हूं। राम सिंह जी चलो। 15 साल से दिवाली के दिन आंसू, मतलब? आज ही के दिन एक दिवाली पर प्रभाकर भैया अमर को लेकर चले गए थे। अमर को ये भूल नहीं पाते और हर दिवाली पे अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं।
डिकी डिकी डम डम चिकी बम चिकी चिकी बम बम रपडम रपडप जम जम चिकी बम चिकी चिकी बम बम डिकी डम डिकी डिकी डम डम रपडम रपडप जम जम देखो करो ना 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 गाओ जी कोई गाना गाना खुशियां मनाएंगे धूम मचाएंगे गाएंगे मिलके प्यार वाली सरगम डिकी डम डिकी डम डिकी डिकी डम डम चिकी बम चिकी बम बम रपडम रपडम रपडप जम जम चिकी बम चिकी बम बम मेरे बच्चों हमने तो माना भगवान तुझे दूजा हमको तो करनी है बस तेरी पूजा अब ये हंसी ना जाए ना जाए कोई भी गम ना आए ना आए सांस निभाएंगे जान लुटाएंगे मजे भी खाएंगे एक दूजे पे हम टिकी डम क्या क्या बोला पिकनिक तू पिकनिक पर जाएगा पिकनिक पर जाने को मेरा दिल कह रहा है और जो मेरा दिल कहता है मैं वही करता हूं तो फिर अपने दिल से कह दे वो वही किया करे जिसकी इजाजत तेरी सेहत दे बड़े भाई आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए बड़े भैया हम जानते हैं कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अभी आप हमारी नहीं अपनी सेहत की फिक्र कीजिए मुझे तुम लोगों की भी कोई परवाह नहीं अरे मैं तो बच्चों को पिकनिक पे ले जाना चाहता हूँ पर भैया बच्चे थोड़े दिन इंतजार कर सकते हैं एक बार उनके ताऊजी की तबीयत ठीक हो जाए फिर सारी जिंदगी पड़ी घूमने के लिए अरे मेरे पास ज्यादा जिंदगी नहीं पड़ी है जितनी है कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं भैया भगवान के लिए ऐसी बातें मत किया कीजिए अगर ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हो तो मुझे इस कैदखाने से एक दिन की छुट्टी दे दो ताकि मैं बच्चों को पिकनिक पर ले जाऊं और तुम लोग भी अगर पिकनिक पर जाना है तो 9:30 बजे सुबह तैयार होकर नीचे आ जाना और जिसको नहीं जाना है तो अरे चलो भाई बच्चे गाड़ी में बैठ गए अरे चलो भाई जल्दी करो चलो 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 ए डॉक्टर तू नहीं जाएगा कल पिकनिक पर जाने से रोक रहा था चलो चलो जल्दी बैठ जाओ दीनो मिनी Hi. My darling. आपने बताया नहीं कि आप लोगों की कोई लाडली बहन भी थी हमारे बाप ने हमें ऐसी किसी बहन के बारे में नहीं बताया ऐसे मुंह भाई क्या देख रहे हो वो नहीं देख रहा हूँ जो तुम सोच रही हो बड़े भाई साहब को देख रहा हूँ जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता सॉरी दिनू जानती हूँ मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला था इससे ये पूरा मोहल्ला नजर नहीं आ रहा है क्या तू कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर दिनू मेरी मरीज भी तो कम नहीं है अरे तेरे सबसे बड़े मरीज तो हम हैं किसी का दर्द किसी की दवा
मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। मेरा ख्याल भी तुम्हारे सिवा और कौन रख सकता है। वाह क्या सीन है भैया। भैया वो देर हो रही है, पिकनिक पर चलें? हाँ हाँ चलो चलो। दिनू मुझे छोड़ के तुम पिकनिक जाओगे? अरे तो हम पिकनिक यहीं बना देंगे। भाई देखो तुम लोग पिकनिक पर जाओ, एंजॉय करो, मेरा अब निकलना कुछ मुश्किल है, लेकिन तुम लोग जरूर जाना वरना बच्चे डिसअपॉइंट हो जाएंगे। हाँ चलो मिनी चलो, आओ चलो पिकनिक यहीं मना लेंगे। यार कुल तू इसको बताओ कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कौन थी? थी नहीं है, और शायद रहेगी भी। कब तक? जब तक उस बेशर्म लड़की को शर्म नहीं आती। दिनू मिनी छी, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? प्लीज लीना, बड़े भैया के खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं कहेगा। गलती उस लड़की की थी। लड़की नहीं औरत, कपड़े कम पहनने से उम्र कम नहीं हो जाती, यानी कि बचपन से ही बदचलन है। क्या था उसका बचपन, और कौन थे उसके लापरवाह माँ बाप, और कौन है ये औरत, और क्या रिश्ता है उसका भैया से? बाय गॉड मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। मेरा दिल कहता है वो मेहमान थी, आई थी, हमारे लौटने तक चली गई होगी। आ गए आप लोग? गई? क्या गई? अरे मिनी गई। माफ कीजिएगा आनंद साहब, गई नहीं गई। जब भी आप उनके बारे में बात करें तो ऊपर और नीचे के सारे नुक्ते चेक कर लिया कीजिए। अगर बड़े साहब को यह बात पता चली कि आप मिनी मेम साहब के बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। हु? अरे हो जाता है राम सिंह, जबान पिकनिक मनाने के बाद जरा सी फिसलने लग जाती है। वैसे वो तुम्हारी मिनी मेम साहब जी है कौन से कमरे में? क्यों बड़े साहब का कमरा आपको नहीं मालूम? हाँ हाँ वही है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारी वो मिनी मेम साहब जी साहब के कमरे में है? तो इसमें हर्जी क्या है, इतना बड़ा कमरा है, अगर उसमें छोटा सा पलंग रख दिया तो भी बड़ा ही लगता है। दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हा? आज यहाँ कौन हंस सकता है, आवाज वहां से आ रही है। लेकिन बीमारी की हालत में भाई साहब इतनी जोर से कैसे हंस सकते हैं? ये जो नए किस्म का बुखार चढ़ा है ना, इसमें ऐसी हंसी आती है प्यारे। अरे लीना कितना मजा आया ना पिकनिक पर, सच्ची बहुत मजा आया, मौज मस्ती करके सब थक गए हैं। हाँ हाँ मैं तो कहती हूँ पूरे चौधरी खानदान को महीने में एक आध बार तो पिकनिक पर जाना ही चाहिए, है ना? हाँ बेचारे भाई साहब, कितना मन था उनका पिकनिक पर जाने का, लेकिन अब अगर कोई बेवक्त अचानक आ जाए तो वो भी बेचारे क्या करें। नहीं कितना अच्छा मौसम था, पूना आओ और कमरे में बंद रहो, पाप है। अरे जाइए ना, जाके भैया को पिकनिक की बातें सुनाइए, वो राह देख रहे होंगे। जी हाँ फरमाइए। जरा रास्ता दीजिए ना, हम लोग भाई साहब से मिलने जा रहे हैं। हाँ उन्हें पिकनिक की बातें बता दे। उन्हें सुनना होगा तो आप लोगों को बुलवा लिया जाएगा। क्या बुलवा लिया जाएगा, हमें उनकी तबीयत भी तो पता करनी है ना। तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब मैं आ गई हूँ ना, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी पूरा दिन काफी खेलते कूदते रहे हैं। थक गए हैं, अब आराम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब खुद हमसे मिलना चाहते होंगे, आप जरा जाकर उनको बताइए तो सही कि हम चारों आए हैं। बता दिया जाएगा, वैसे आप लोग अगर इंतजार करना चाहते तो कीजिए। बाय। इसकी ये मजाल, ये शायद जानती नहीं कि आप चारों दीनानाथ के भाई हैं। इसे सब अता पता होगा, बल्कि पता तो हमें नहीं चल रहा कि ये भाई साहब की है कौन। अरे लेकिन अपना तो कचरा हो गया ना। कचरा होने दे, एक बार इसका भैया के साथ रिश्ता पता चल जाए
फिर सारा कचरा साफ। ओले 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 ओले। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। अरे तुम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या राम सिंह? इन लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं करवाया? अरे मेरा तो वक्त पर काबू नहीं है, तू जानता है मैं बीमार हूँ। और वैसे भी राम सिंह, हम लोग ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे। दिन मुझे शॉपिंग करवाने ले जा रहा है। साहब आपके साथ बाहर जा रहे हैं? राम सिंह तुम तो जानते हो मैं सिर्फ दिनों के चॉइस के कपड़े पहनती हूँ। आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो, हम लोग चलते हैं। बाय बाय। भैया को नाश्ता तो कर लेने दो बहन। हाँ? बहन? कौन सी बहन? कैसी बहन? अच्छा अच्छा, ये बहन की गलतफहमी इसलिए हो रही है क्योंकि मिन्नी को मैंने तुम लोगों से नहीं मिलवाया। मिन्नी ये मेरे छोटे भाई हैं और ये इनकी बीवियां हैं। जानती हूँ। और ये है मिन्नी। कहने में मिन्नी लेकिन मेरी जिंदगी में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। पेशे से नर्स है। दिनू नर्स थी, दिनू हूँ नहीं। आई एम सॉरी। जब मुझे अटैक हुआ था ना तो नर्सिंग होम वालों ने इसे मेरी देखभाल के लिए भेज दिया था। इसने मेरी सेहत का ऐसा ख्याल रखा कि मैंने इसके सामने प्रपोजल रख दिया। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? हमेशा के लिए इस घर में रहने का ऑफर दिया, पर तब ये आ नहीं पाई। अब मेरी दुनिया में हमेशा के लिए आ गई है। ये बड़ी अच्छी नर्सिंग करती है। हाँ बेशक, हम सब ने देखा आपका बहुत ख्याल रखती है ये। सुनने में शायद अजीब लगे लेकिन जब से ये मिन्नी आई है ना, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम लोग मेरे बड़े भाई हो और मैं छोटा छोटा। शॉपिंग को चले? हाँ चलो। बाय बाय। बड़े भाई, बाहर कड़कती धूप है। गाड़ी में एसी है। ओले 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 ओले। 88,999 का टोटल बिल। हाँ इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए बिल, अगर इसी रफ्तार से कपड़े खरीदे गए तो। मूवी का बिल कितना आएगा? मगर यार मुझे कोई ये तो समझाओ, इतने सारे कपड़े वो खरीदती है और जब पहनती है मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? कपड़े मुझे तो थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, क्या आप लोगों को वो भी दिखाई नहीं देते? अरे यहाँ चौधरी खानदान के नाम का कफन लिया जा रहा है और तुम सब लोग मिनी विनी में उलझे हुए हो, कमाल है। वैसे लीना, हमें जब तक भैया और उसके रिश्ते के बारे में पता नहीं चल जाता उसके बारे में ऐसी वैसी बात करना ठीक नहीं। कहीं पता चला कि वो हम सब की। मैं नहीं कहता था बड़े भैया वैसे नहीं है जैसे हम उन्हें समझने लगे हैं। तो बड़े भैया शॉपिंग पर हमारे लिए इसी का इंतजाम करने गए होंगे। हम लोग भी एकदम मासूम बन जाते हैं। लेकिन बड़े भैया को कैसे पता कि हम लोग ड्रिंक करते हैं? अरे यार तजुर्बेकार आदमी है, समझ गए होंगे। हे राम सिंह इसे यहाँ लगा दे। अरे भाई बाहर इस वक्त मच्छर होंगे। आप वहीं खड़े रहिए, बाहर आने के लिए कौन कह रहा है? अरे वो तो भैया की कब्र की तरफ जा रहा है। अबे अरे रुक रुक रुक, ये तो इसे वहां क्यों लेके जा रहा है? आप लोग इतने दिन से यहाँ हैं, अभी तक घर का जोग्राफिया समझ में नहीं आया? सामने साहब का कमरा है और ये सारा सामान मिनी मेम साहब ने मंगवाया है। यानी के तुम्हारी मेम साहब शराब भी पीती हैं? जी जी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, पीती नहीं पिलाती है। किसको? साहब को। ये इस घर में हो क्या रहा है? सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अरे उन्हें जान से मारोगे क्या? भैया बीमार है और उन्हें शराब पिलाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अरे तुम सब दुश्मन हो, दुश्मन उनकी जान के। राम सिंह कहाँ अटक गए तुम? मेम साहब यहाँ रास्ता रोको आंदोलन शुरू हो गया है। एक मिनट, ये तुम क्या खिला पिला रही हो ने? खाने पीने के बारे में तुम मुझे पूछने वाले होते कौन हो? मैं उनकी पर्सनल नर्स हूँ या तुम? और एक भरोसेमंद नर्स होने के नाते मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन्हें क्या खिलाना चाहिए क्या पिलाना चाहिए। राम सिंह
ये जानती नहीं मुझे, मैं चीज क्या हूं? इससे जाके कह दो कि मेरे से पंगा ना ले। किससे जाकर कह दो भैया? ये समझो बड़े भैया बंगला समेत आज इसकी बोतल में पूरी तरह उतर गए। ये तो अकेले दिख रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि हमारे बड़े भाई साहब का जब सुबह नशा उतरा होगा तो उन्हें अपने भाइयों का ख्याल और उस कामनी का कमीनापन याद आया होगा। इससे पहले कि हम लोग उठते उन्होंने उसे 9-11 कर दिया। ओए,
हमारी बदनसीबी, ये तो अंडर वाटर से बाहर निकल आई है। वेरी गुड, 1 मिनट 20 सेकेंड। नॉटी गर्ल। ठंडे पानी से मत खेलो भैया, बुखार चढ़ जाएगा। प्लीज प्लीज। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा पानी मेरे ऊपर आ गया। वो हम तक एक बूंद भी नहीं आने देगी, सूखे रहते सूखे जाएंगे। ये तुम आंखें गाड़ कर क्या देख रहे हो? मैंने बड़े भाई पे नजर रखी हुई है। मैं खूब जानती हूँ तुमने किस पर नजर रखी हुई है। बंबई में उस नेपालन पर नजर रखी थी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा नेपाल से आगे नहीं बढ़ा। तू कहे तो तुझे अपनी जिंदगी से बाहर एक्सपोर्ट कर दूं। दीदी दीदी देखो ना, देखो ना ये क्या कह रहे हैं। जो मैं सुनकर आ रही हूँ उससे बुरा कोई क्या कहेगा। सुनो, बंबई से फोन आया है, तुम्हारी बिल्डिंग का काम रुक चुका है। वहाँ मेरी बिल्डिंग का काम रुक गया, यहाँ महल बलवा हो गया। ये बिल्डिंग ना बनी तो मेरे मायके वालों में तुम्हारी नाक कट जाएगी। कितने लोगों ने वहाँ से तुम्हारी बिल्डिंग में अपना फ्लैट बुक कराया है? एक का भी पैसा नहीं आया। तुम दहेज में क्या चूना गार और सीमेंट लेके आई थी जो खैरात में फ्लैट बना बना के बेचूं? तुम तो अपने गले में सीमेंट की बोरियां लटका कर रिश्ता लेने आए थे। कहते थे बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। अरे पिछले 10 सालों से एक भी बिल्डिंग सीधी खड़ी कर पाए क्या? चलो चिल्लाओ मत मिस्टर आनंद चौधरी। चौधरी तो तुम्हारा गया स्विमिंग पूल में। अब अपने नाम की औकात बचाओ, नहीं तो क्या 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 कर लोगे भैया? बड़े भैया क्या हो रहा है? आप मिस्टर शांति दूत जरा इधर आइए। मैं नहीं भैया, आप नहीं, आप जरा इधर आइए, इधर आइए। ये पढ़िए। ये क्या है छोटे? मेरा पेंडिंग बिल, इसे अभी क्लियर करो। पिछले 2 साल से मेरी वाइन शॉप से अपने होटल के लिए फोकट की दारू ले जाते हो और हमेशा भाई भाई कहकर इमोशनल कर देते हो। पैसे वैसे की बात बाद में कर, पहले अपने बड़े भाई से बात करने की तुम्हें। इसे बड़ा भाई अगर छोटी हरकतों पर उतर आए तो ये मत समझना मैं तुम्हारी बॉडी देख के डर जाऊंगा। आनंद भैया समझाइए इसे, बाद में बात करिएगा कि बंबई से 4 आए थे, पुणे से 3 वापस क्यों जा रहे हैं? समझे जा जा बहुत हो गया। बड़े भैया, बड़े जोर शोर से प्यार की बातें हो रही हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हो। किबी दब। आनंद ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये भैया दूरबीन है। दूरबीन? अच्छा अच्छा, वो दूर की देख रहे हो। चलो बिन्नी। मैं तो शुरू से कह रही थी कि गड़बड़ तुम्हारे बड़े भैया में भी है। कल तक वो तुम्हारे भी बड़े भाई थे और आज हमारे रह गए। हफ्ते हुए आए थे अपने बड़े भैया की तबीयत पूछने और अब यहाँ आंखें फाड़ कर उस बेशर्म मिनी का कैबरे डांस देख रहे हो। टिकट निकाल कर गया था क्या? सामने हो रहा था, मैं क्या करता? बड़े भैया के बारे में क्या सोचा था और ये क्या निकले? बहुत दूर निकल गए तुम्हारी होने वाली भाभी के साथ। मेरी दुखती रख पर हाथ मत रखो रेखा। वो मेरा हाथ नहीं, तुम्हारी होने वाली भाभी का पांव है। हिम्मत है तो उससे जाकर कहो ना। तुम तो अपना घर भी जलता हुआ देखोगी ना, तो बाल्टी लेकर खासले डालने के लिए निकल जाओगी। तुम्हारे घर में धरा ही क्या है जिसका राख होने का डर हो? जो जलने लायक था वो तो पहले ही जल चुका। मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आया कि ऐसी नर्स कौन से अस्पताल में मिलती है। अस्पताल में नहीं, दौलतमंदों के हरम में होती है। तेरे कहने का मतलब क्या है? तू सोचती है मैंने तेरे आनंद भैया से शादी उनका खानदान देख के की थी? बुरा क्यों मानती हो भाभी, वरना आप जैसी औरत को आखिर आनंद भैया में देखा क्या? मैं क्यों झूठ बोलूं? मैंने तो इनसे शादी चौधरी खानदान के नाम की वजह से की थी, वरना बड़े बड़े राजकुमार मुझे डोली में ले जाने के लिए बेताब थे। आपका मायका राजस्थान में है क्या? नहीं तो? तो फिर क्यों डोली घोड़ी राजकुमार की बातें फेंक कर हम सब पर रौब झाड़ रही हो? हे अर्शद, क्या हुआ? अरे ऐसे हालात में तुम हंस कैसे सकते हो? छोटे को खुशखबरी है क्या? जल्दी बताओ ना। अरे बताना बताना ना। मैं बाहर विनोद को फोन करने गया था, बातों बातों में पता चला जिस प्रॉपर्टी के हम सब वारिस थे, यानी के भाई साहब की टोटल प्रॉपर्टी कितने की है? कितने की? आज हम सबको
80 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें याद है कि भैया ने उस दिन क्या कहा था? क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राम सिंह पैसे रखे कहीं भी भूल जाता है, और अगर इस घर की सफाई की जाए तो 20-25 लाख तो यूं ही निकल आएंगे। याद आया? पाए लागू भाई साहब। जीती रहो। राम सिंह ने बताया, आपने याद किया? हाँ, वो चौधरी खानदान में अभी आई हो ना, इसलिए अभी याद करना शुरू किया है। वैसे हर्षद तो मेरी यादों की हकूमत में है। सच भाई साहब? हर्षद से पूछ ले, सबसे छोटा था ना, गोदी में ही खेला है, कई बार तो सुसु भी कर दिया, लाडला था ना। मेरा सबसे ज्यादा प्यार हर्षद को ही मिला है। सबसे ज्यादा? मेरा मतलब है अब भी मिलेगा ना? क्यों नहीं? क्या बोले? क्या मिलेगा? अरे वही जो बुड्ढे के पास सबसे ज्यादा है। और क्या? मैं तो तारीफ करूंगा हर्षद, जो तेरे जैसी बीवी लाया। मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल हो गई। कैसी परेशानी? वो चौधरी खानदान का पुश्तनी हीरों का हार किसी एक बहू के हवाले करना है। सोच रहा था कि किसके हवाले करूं। भैया, बड़ी बहू को दिया जाता है। ये रिवाज के हिसाब से ये बड़ी बहू को दिया जाता है। पर मैं रिवाजों की परवाह नहीं करता। ले, तू रख ले, ले। हमें बस अपनी शरण में रखिएगा भाई साहब, एक आप ही उनके भाई हैं। औरों के बारे में मैं क्या कहूं? अरे औरों को मारो गोली, मैं तो हूं ना। मैंने हर्षद से कहा भी था कि भाई साहब तुम्हें कुछ अलग नजरों से देखते हैं, बहुत उम्मीदें हैं उन्हें तुमसे। अच्छा? आपको हमारा शत शत प्रणाम। जीती रहो। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हर्षद बेटा, भाई कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। एक बात तो समझ में आ गई कि हम लोग अपना त्रिया चरित्र दिखाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान भी कोई छोटा मोटा नहीं, 20 करोड़ पर भाई का। अगर नुकसान किसी का होगा तो वो आप लोगों का होगा, क्योंकि भैया ने तो हर्षद के बारे में कुछ और ही सोच रखा है। यू नो, ये जो बात तुम सोच रही हो ना, ये बात भैया ने नहीं, उस नर्स ने सोची है। वैसे भी वो नर्स हम लोगों में फूट डालकर हम लोगों पर राज कर रही है। उस चम्मक छल्लो ने एक ही तीर से 8 शिकार किए हैं, और तुम्हें ये पुश्तैनी हार देकर सबको तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। सोचो, जरा सोचो छोटे, तू ही कह रहा था कि भैया की जायदाद की कीमत है 80 करोड़, तो उसके कानूनी वारिस तो हम सभी हुए ना। और देखा जाए तो बड़े भाई ने ऐसा तो कुछ नहीं किया जो ये बात साबित कर दे कि वो जायदाद हमें नहीं देंगे। लेकिन वो नर्स ही 80 करोड़ हड़प कर गई तो? हाँ, अब आए ना हम असली मुद्दे पर। भाई हम चार भाई तो आपस में मिल बांट के खा लेंगे, लेकिन उस नर्स की नीयत तो 80 करोड़ पे है, 80 करोड़ पे। हर्षद, हमें कुछ भी करके अपने 20 करोड़ रुपए बचा लेने चाहिए। आनंद भैया ठीक कह रहे हैं, वो नर्स ही हम लोगों पर इकलौता खतरा है और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। यानी कि जैसे बाहरी ताकत देश में दंगा फसाद करवाती है, ये नर्स भी हम लोगों के बीच में वैसे ही करवा रही है। इसीलिए हमें देश प्रेमी की तरह मिलकर इस ताकत का सामना करना पड़ेगा। और इन बाहरी ताकतों का सफाया करेगा मेरा न्यूक्लियर बॉम्ब अमर। अमर? अमर? यानी प्रभाकर भैया का बेटा?
और भाई साहब का लाडला भतीजा। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? अरे ढूंढना उसे नहीं है, ढूंढना है 20-22 साल के नौजवान को जो अमर नाम का लेबल मुंह पे चिपका के अमर बन के इस घर में आ जाए। बात तो आपने बहुत पते की कही अनंत भैया। वैसे भी हम लोगों में से कौन जानता है कि 15 साल के बाद अमर कैसा दिखता होगा? बड़े भैया तक नहीं बता सकते। एक बार अमर आ गया तो दीनानाथ उस नर्स को पूछेंगे भी नहीं। हाँ, और अगर हम थोड़े से पैसे देकर किसी से ये रोल करवाएं, तो वो वैसे वैसे करेगा जैसे जैसे हम उसे कहेंगे। और एक बार भैया ने उसे भतीजा कह के गले लगाया तो उस नर्स को अस्पताल समेत उठा के बाहर फेंक देंगे। लेकिन वो नौजवान होगा कौन? ये रोल निभाने के लिए एक कमाल का एक्टर मैं बता सकती हूँ। कौन? कौन? वो मेरे साथ थिएटर ग्रुप में काम किया करता था, ट्रेजेडी किंग। उसका शो देखने के लिए लोग 6-6 रुमाल लेकर आया करते थे। कमाल का एक्टर है, मगर बेचारा जरूरतमंद और मजबूर है। क्वालिफिकेशन तो कंप्लीट है, आजकल है कहाँ? बंबई में। क्या हुआ? होना क्या है, पेट्रोल खत्म हो गया। दिल की कार यारा जोर लगा के हैया, बैठा इसमें प्यार यारा जोर लगा के हैया। नाजुक नाजुक इसकी डोर होती है यारा कमजोर, देखो टूटे ना दिलदार यारा जोर लगा के हैया। खींचो दिल की कार यारा जोर लगा के हैया, बैठा इसमें प्यार यारा जोर लगा के हैया। नाजुक नाजुक इसकी डोर होती है यारा कमजोर, देखो टूटे ना दिलदार यारा जोर लगा के हैया। खींचो दिल की कार यारा जोर लगा के हैया, बैठा इसमें प्यार यारा जोर लगा के हैया। बंबई दिल्ली कलकत्ता मद्रास बड़ौदा पूना, यार बिना सारा संसार लगे है हमको सुना। हाँ, दिल भर की आँखों से है दूर कभी रहूना, तन्हा जीना है बेकार यारा जोर लगा के हैया। खींचो दिल की कार यारा जोर लगा के हैया, बैठा किसमें प्यार यारा जोर लगा के हैया। नाजुक नाजुक इसकी डोर होती है यारा कमजोर, देखो टूटे ना दिलदार यारा जोर लगा के हैया। खींचो दिल की कार यारा जोर लगा के हैया, बैठा इसमें प्यार यारा जोर लगा के हैया। करे जहाँ में वो है बड़ा अनाड़ी, आजा कर ले हम इकरार यारा जोर लगा के हैया। खींचो दिल की कार यारा जोर लगा के हैया, बैठा इसमें प्यार यारा जोर लगा के हैया। नाजुक नाजुक इसकी डोर होती है यारा कमजोर, देखो टूटे ना दीवार यारा जोर लगा के हैया। खींचो दिल की कार यारा जोर लगा के हैया, बैठा इसमें प्यार यारा जोर लगा के हैया। नाजुक नाजुक इसकी डोर होती है यारा कमजोर, देखो टूटे ना दिलदार यारा जोर लगा के हैया। खींचो दिल की कार यारा जोर लगा के हैया, बैठा इसमें प्यार यारा जोर लगा के हैया।
अब्दुल, ये गाड़ी का इंजन डाउन करने का, इसका सब पिस्टन बिस्टन चेंज कराओ और सस्पेंशन का काम करने का है, समझा कि नहीं? और उसके बाद गाड़ी को साफ करके वो कलर वाले को दे दो, इसी कलर का डुआट मारने का है। जी अच्छा। तेरा चक्कर भी मेरी समझ में नहीं आता है। जय, सवेरे से गाड़ी को ट्रायल के लिए लेकर गया था, पूरा 6 घंटे के बाद वापस आया है। अरे गाड़ी का मालिक 10 बार फोन करके पूछ चुका है कि क्या हुआ मेरी गाड़ी का। अरे उस्ताद जी, कम से कम एक ग्लास पानी के लिए तो पूछ लेते। पूरा दिन भूखा प्यासा भटक रहा हूं अकेला। मालूम है कितने अलग अलग सड़कों पर इस खटारे के नीचे लेटकर कितने अलग अलग प्रॉब्लम ठीक किया मैंने। मेरी तो पीठ ही चिल गई, होंठ सूख गए मेरे। एक तो इतनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर करा के लाया हूं, हाँ पे कि मुझे ही डांट रहे। लेकिन उस्ताद जी, गलती आपका नहीं है, गलती आपका है ही नहीं। तुम मेरे को नहीं समझता है और मैं साल अपने नसीब को नहीं समझता है। एकदम फुटेला नसीब है अपना भी। इतना मेहनत करके पूरा ईमानदारी के साथ इतना अच्छा काम करता है, फिर भी लोग अपना ईमान पे शक करता है। मैं देख दिख रहा, मेरी बात सुन, तूने गाड़ी को ठीक किया ना, मैं मालिक को फोन करके समझा देगा भाई। और मेरी बात का दिख रहा, इतना बुरा नहीं मानने का, मैं तो भड़कता रहता हूं। ये ले जा, कुछ खा पी के आराम कर। दिख रहा उस्ताद जी, बस आपके इस दिल की वजह से आज तक यहां टिका हुआ हूं, वरना कब का चला गया होता। थैंक यू। मैं ये गाड़ी हटा के रख दूं? नहीं, वो मैं किसी को बोलेगा वो रख देगा। बहुत ही अच्छा छोकरा है। अजय, क्या देख रहे हो? वही, अपने घर के सपने को देख रहा हूँ। पता नहीं कब पूरा होगा मेरा ये सपना। एक सपने के इंतजार में बाकी सपने कब तक बैठे रहेंगे? घर जब होना होगा हो जाएगा, हमें अब शादी को और नहीं टालना चाहिए। मामा जी शादी के लिए बड़ा जोर डाल रहे हैं। सुमन, जब शादी के बाद हर 11 महीने तुम्हें अपना ससुराल बदलना पड़ेगा ना, कभी ये खोली तो कभी वो खोली, तुम्हारी सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा बताओ, तुम यही चाहती हो ना कि शादी के बाद भी हम एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत करें जितना कि आज करते हैं? तो यकीन जानो, उसके लिए एक दिल से ज्यादा हमें एक घर की जरूरत पड़ेगी। देखो अजय, तुम एक ही लोकैलिटी में पिछले 3 साल से पेइंग गेस्ट हो, तुम्हें कहाँ जगह बदलनी पड़ी? अरे डफर। क्या? अरे बाबा, उस घिसेली पिटीली लोकैलिटी में आज तक सिर्फ इसीलिए जमा हुआ हूँ क्योंकि वहाँ आपके पूज्य मामा जी रहते हैं। अगर पुणे से बंबई तू अपने उस मामा से मिलने नहीं आती तो हमारी मुलाकात कैसे होती? अरे मामा से याद आया, जब से मैंने अपने चेहरे से वो चूना पोंछ कर अपने हाथों में ग्रीस लगा लिया ना, तेरा मामा कुछ इज्जत से देखने लगा अपन को। तुम्हें थिएटर छोड़कर गैरेज में काम करना पड़ा, बहुत बुरा लगा ना? हाँ, बहुत बुरा। लेकिन उतना बुरा नहीं जितना अच्छा तुमसे शादी करने के बाद लगने वाला है। अरे वैसे भी कलाकार बनके क्या कमा लिया मैंने, यहाँ गैरेज में मेहनत करके कम से कम कुछ आमदनी तो हो जाती है। देख लेना, अगर मेरी शादी कहीं जबरदस्ती तय हो गई ना तो मैं तुम्हारे सामने समुंदर में कूदकर जान दे दूंगी। तुम जान दे भी दोगी और जान ले भी लोगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब तुम समुंदर में कूदोगी तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे अपन को भी कूदना पड़ेगा। और वो क्या है ना कि अपन को तैरना नहीं आता। हाँ कसम से, इसीलिए डूबेंगे तो अपन दोनों ही। क्या साला, 6 महीने से अपनी सारी ख्वाहिशों को मारकर इतना माल भी नहीं जमा कर पाया कि घर तो दूर, घर की एक टाइल भी खरीद सकूं। ए ऊपर वाले, कुछ करना यार। अभी देख, इस कलाकार की कला तो तूने छीन है, लेकिन प्लीज सुमन को मेरे से मत छीनना। वैसे साला शक्ल से तो इतना बदनसीब नहीं लगता अपन। उधारी खाता लेकर नहीं आया तो अंदर आ जा। अरे एक मिनट, क्या किधर घुस रहा है? मालूम नहीं क्या, पेइंग गेस्ट के खोली में इतना सारा लोग एक टाइम पे अलॉट नहीं है। हेलो अजय। लेकिन अरे रीटा तू, अच्छा तो ये लोग तेरे साथ में आए? तभी मैं बोलूं साला, इतने शरीफ लोगों को तो मैं जानता तक नहीं हूं। अजय मेरे पति हैं। हर्षद चौधरी। मेरी जेठ। रमेश चौधरी। हेलो। आनंद चौधरी। ऐसा क्या? अजय ने तुमसे कुछ काम है। क्या अपन से? अरे ये कहीं कोई नाटक कंपनी वाला तो नहीं है? देख रीटा बहन, अपन ने शो वो करना छोड़ दिया अभी। नहीं 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 नहीं,
नाटक तो करना है लेकिन शो नहीं। बड़े पुण्य का काम है और फल भी बड़ा मीठा है। अच्छा सुना है तुम एक्टर बहुत पहुँचे हुए हो। प्राइस तुम्हारी, प्लॉट हमारा, पूना में। क्या पूना में? अरे पहले बोलने का था ना, इतनी सारी बातों में पहला मतलब का बात बोला है। वो क्या है ना, पूना में तो अपना दिल रहता है ना, तो कैसी बातें कर रहे हो? हम दूसरी तरह की बातें भी करते हैं अजय। हम जानते हैं कि तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, हम उसकी कीमत देने के लिए तैयार हैं। काम होते ही तुम्हें तयशुदा पैसा मिल जाएगा। 10 लाख रुपए नगद। क्या 10 लाख रुपया? तुम लोग मेरे को इस रोल का 10 लाख रुपया देगा? अरे तो काय को टाइम खोटी किया, पहले से ऐसा अच्छा अच्छा बात किया होता तो और कोई बात करने का जरूरत ही नहीं पड़ता ना। अरे मंजूर है, 10 लाख रुपया देगा ना, मंजूर है। लेकिन लेकिन मैं तो अजय हूँ, तो मैं अमर कैसे बनूंगा? इस तस्वीर को जरा गौर से देखो जी। मैं वैसे भी हर काम बहुत गौर से करता हूँ साहब, इसीलिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रभाकर भैया और साथ में हो तुम, यानी कि अमर, आज से 15 साल पहले वाले। बस तुम सिर्फ इस तस्वीर को अपने पर्स में रखना। ये होगा तुम्हारा एंट्री पास दीवान दीनानाथ के खानदान में घुसने का। और यह है तुम्हारा दूसरा जरिया, इस कैसेट में एक गाना है जो 15 साल पहले दीनानाथ जी तुम्हारे लिए गाते थे। इसे तुम्हें अच्छी तरह से याद करना है, सुर ताल और गीत। और यही होगा तुम्हारा उस घर में बसने का लाइसेंस। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारा प्लान क्या है, कब कैसे दीनानाथ के घर आना है। अजय तुम सुन रहे हो ना अजय? आपने मुझसे कुछ कहा? तुम्हारे अलावा यहाँ और अजय कौन है? अजय कौन? अजय आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है साहब, मैं अजय नहीं, मेरा नाम तो अमर है, अमर प्रभाकर चौधरी। मैं हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और रामसिंह देखो, ये आदमी चोरी कर रहा था। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी है क्या? घर में चोर घुसा है। देखो देखो ये रंगे हाथों पकड़ा गया। हाँ रंगे हाथों पकड़ा गया। ये शोर कैसा है दीवान साहब, इन्होंने चोर पकड़ा है। रामसिंह पुलिस को फोन करो। चोरी करता है? चल देखे तो सही इसने चुराया क्या क्या है। ये रामसिंह ठहरो, ये तो प्रभाकर भैया की तस्वीर है। बोल, ये तस्वीर तेरे पास कहां से आई? सुभाष छोड़ दो इसे। लेकिन भैया कहां है ना, छोड़ दो। तुम यहां चोरी करने आए थे, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। सच सच बताओ, ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली और ये पर्स किसका है? ये पर्स मेरा है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अगर ये पर्स तुम्हारा है तो ये 15 साल पुरानी तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? मिली नहीं बाबूजी, ये मेरे बचपन की तस्वीर है, मैं सच बोल रहा हूं, कई सालों से मेरे पास है। झूठ बोलता है। क्या नाम है तुम्हारा? अमर। बाप का नाम? मिस्टर पी चौधरी। पूरा नाम बताओ। श्री प्रभाकर चौधरी। तू प्रभाकर चौधरी का बेटा अमर है और मुझ बूढ़े को नहीं पहचानता? बचपन में मेरे अलावा तो तू किसी को भी नहीं पहचानता था। मैं कुछ समझा नहीं। एक बात सीने से लग जा, सब समझ जाएगा। देखिए, या तो आप लोग मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। खिलवाड़ तो तेरे बाप ने पूरे 15 साल तक मुझसे किया है। कहां है प्रभाकर? उनको तो मरे हुए 14 साल हो गए। नो, वो
उससे पहले कैसे मर सकता है? कैसे हुई थी उनकी मौत? मुझे तो कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन सुना एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन बाबूजी, मेरे पिता की मौत की खबर सुनकर आप क्यों इतने दुखी हो रहे हैं? दुखी तो प्रभाकर को होना चाहिए था। मेरी मौत पर मेरी अर्थी उठाते वक्त प्रभाकर मुझ बदनसीब का छोटा भाई था, और तू अब चोर नहीं, दीवान दीनानाथ का भतीजा। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। मैं और आपका, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि फिर। भैया, यकीन तो मुझे भी नहीं होता। बड़े भैया, अगर ये अमर है तो इसे वो गाना याद होना चाहिए जो अमर के बचपन में आप उसके लिए गाया करते थे। हाँ, याद है वो गाना जो मैं तेरे लिए गाया करता था, तब तू बहुत छोटा था, याद है ना? याद कर, तू वो गाना नहीं भूल सकता, याद कर। नाराजगी का लफ्ज अब हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो। जी। मेरे बच्चे, वाह आनंद भैया वाह, अगर आप महाभारत के वक्त पैदा होते ना तो जरूर द्रोणाचार्य होते। ऐसा तीर निशाने पे तो अर्जुन कभी नहीं लगा होगा। कमाल है, कोई मेरी तारीफ भी नहीं करता कि कितना जबरदस्त एक्टर ढूंढ के दिया है। अरे जबरदस्त, वो टपोरी ऐसा भोलापन चेहरे पर लाया, एक बार तो मुझे लगा जैसे असली अमर गाना गा रहा है। उस नर्स को देखा था, उसके चेहरे की तो हवाएं उड़ गई थी। मुझे तो लग रहा है कि उसने अपना सामान भी बटोरना शुरू कर दिया होगा। यहाँ तक तो भगवान ने हमारी सुन ली, बस अब ठीक ठाक ऐसा ही चलता रहे। ना, ये तुम क्या कर रही हो? 20 करोड़ रुपया गिनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और फिर क्या हुआ
वो मेंढकी जो थी ना वो फुदक कर तालाब के अंदर। आओ आओ अमर बेटा, सुनाम बाबू, जीते रहो। लगता है देर से उठने की आदत है। जी बाबूजी, जब ना कोई सुलाने वाला हो ना ही कोई जगाने वाला हो तो आंख अपनी मर्जी से ही खुलती है। पहले तुम अपने चार चाचाओं की फौज से मिलो। ये है स्वीटी, ये किदार, ये स्वाति, ये पतली, नाम इसका है बबली, और ये है गज्जा। इसकी खासियत ये है कि जब सब सो जाते हैं ये उठ जाता है, और जब सब उठ जाते हैं तो ये सो जाता है। बेटा जी, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की परेशानी तो नहीं ना? बस एक ही परेशानी है बाबूजी, जितना प्यार मुझे यहाँ मिला है मुझे उसकी आदत नहीं है। आदत डाल लो बेटा, जो अभी मिल रहा है उससे 100 गुना ज्यादा प्यार तुम्हें हमें देना होगा। हमसे इतने सालों अलग रहने का जुर्माना। बाबूजी, मैं तो आदत डाल लूंगा, लेकिन लेकिन अब आप भी मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए। इतने साल आप भी कहां मुस्कुराए होंगे। अमर, ये पुराने हिसाब किताब बाद में देखेंगे, पहले तू दीवान दीनानाथ का पूरी तरह से भतीजा बन जा। राम सिंह जी साहब, अमर को ले जाओ जी, और इसको नए कपड़े दिलवाओ जी, कम से कम 30 जोड़ी कपड़े। बाबूजी, 30 जोड़ी किस लिए? 15 तेरे हमारे बगैर गुजरे जन्मदिन के तोहफे, और 15 तेरे बिना गुजरी हमारी दिवाली के तोहफे। राम सिंह ले जाओ। आइए अमर बाबू। अमर, बाजार जाते जाते गाड़ी में हमें ताऊजी कहने का रियाज कर लेना। बचपन में जब तू तोतली जबान में कहता था ना ताऊजी ताऊजी, अब देखें तेरे मुंह से कैसा लगता है। अरे राम सिंह, तुम घर चलो, मैं कुछ काम वाम निपटा के आता हूँ। लेकिन आपको जाना कहाँ है मुझे बताइए, मैं आपको ले चलता हूँ। राम सिंह, मेरी पिछली भी एक जिंदगी थी, हाँ तो जाहिर है उसमें कुछ दोस्त भी थे, बस उन्हीं दोस्तों को मिलकर आता हूँ, तुम चलो। पर अपना पता तो बताते जाइए साहब, मुझसे पूछ। यार राम सिंह, अब तुमसे क्या छुपाना, यार मेरा पिछला हर पता बिल्कुल लापता है, अब सड़क पर रहने वालों को कोई अता पता थोड़ी होता है। समझ गया, लेकिन आप जरा जल्दी तशरीफ लाइएगा। बस यूं गया और यूं आया। ओके बाय। यस सर। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? व्हाट? अजी, मैंने पूछा क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कौन बदतमीज बोल रहे हैं आप? अजी, वो बदतमीज मैं बोल रहा हूँ सुमन जी, जिसके पास आपको रखने के लिए दिल तो है लेकिन कम्बा घर नहीं है। अच्छा है? I'm sorry. अजय, तुम पूना में और ये सब कपड़े, मामला क्या है? तुम बस यूं समझ लो, ये मेरे नए ड्रामे का कॉस्ट्यूम है। ड्रामा? हाँ। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुमने थिएटर छोड़ दिया। छोड़ तो दिया था, लेकिन एक बूढ़े बेबस बुजुर्ग की मजबूरी देखकर फिर से पकड़ लिया। दीवान दीनानाथ जी का नाम तो तुमने सुना होगा। पूना में उन्हें कौन नहीं जानता? सुमन, उनका अमर नाम का एक भतीजा था जो करीब 15 साल पहले खो गया था, जिस पर वो जान छिड़कते थे। दीवान साहब अब कुछ ही दिनों के मेहमान, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मरने से पहले वो सिर्फ एक बार अपने उस भतीजे से मिल लें। इसलिए जब उनके भाइयों ने आकर मुझसे अमर का रोल करने के लिए कहा, मैं मना नहीं कर पाया। क्या मतलब, तुम हकीकत में किसी के घर में रहकर ये सब करोगे? अजय, तुम जानते नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ सुमन कि जब इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती उसे अपनी सारी जिंदगी बेमाने लगने लगती है। मैं नहीं जानती थी अजय कि तुम दूसरों के जज्बात की इतनी कदर करते हो। अरे देखो ना, तुम्हारे जज्बातों की कदर करके मैं यहाँ तक चला है। चलो घूमने चलते हैं। घूमने चलना है तो 6 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। क्यों क्यों? बिकॉज नाउ आई एम ऑन ड्यूटी। भैया, चल के खाना खा लीजिए ना, रात बहुत हो गई। बात रात तो मेरे अमर के लिए भी हो गई होगी, लेकिन खाना हम अमर के साथ ही खाएंगे, भले वो जब भी आए।
बहुत ही अजीब निकला ये एक्टर तो। एक्टर लोग मूडी होते ही हैं। क्या 10 लाख रुपए में भी उसका मूड नहीं बना? ये सब फीस बढ़ाने के चोंचले हैं। बंगले को देखकर आंखें फट गई उसकी और रात भर में नियत खराब। कहता तो बढ़ा देता। अगर वो नहीं आया तो कल सुबह बम्बई निकल जाइए। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे गाजर का हलवा पक रहा था और बीच रात में गैस खत्म। ये लो आ गया गैस का सिलेंडर। ए, कहां था अब तक? कितने घंटों से तेरा इंतजार कर रहे हैं। आए देखो सब तय हो चुका है, जुबान से मत फिरना और ज्यादा भाव नहीं खाने का, समझा? ए, साला बंधुआ मजदूरी कर रहा हूँ क्या इधर में? गले में पट्टा बांध के पालतू नहीं बनने का मेरे को। और हाँ एक बात तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो, काम करने का मेरा अपना अलग स्टाइल है। तुम लोगों के वास्ते ही अक्का नाटक में खुद लिख रहा है, इसलिए कभी एंट्री करने का और कभी एग्जिट करने का ये मैं डिसाइड करूंगा। क्या अजय? अमर 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 ये तो सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि दीनानाथ भैया ने तुम्हारे इंतजार में अभी तक खाना भी नहीं खाया, बहुत परेशान है वो। अभी तुम लोग मेरे को इधर रोक लेगा तो अंदर जाके नाटक का अगला सीन कौन करेगा? तुम लोग अब बोलो अंदर जाऊं क्या? जाऊं साला। राव जी अमर अमर कहाँ है तू? ताऊ जी अगर आप वादा करते हैं कि आप मुझे डांटेंगे नहीं तो ही मैं अंदर आऊंगा। अरे बाबा सामने आएगा तभी तो डांटूंगा ना। ताऊ जी अब देखिए ना ताऊ जी, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि बेटा मुझे ताऊ जी कहने का रियाज करो, वही तो मैं कर रहा था ताऊ जी। हाँ वो तो कहा था लेकिन ये तो नहीं कहा था। प्लीज प्लीज ताऊ जी प्लीज, डांट मैं बाद में खा लूंगा, पहले चल के खाना खा ले, बहुत जोरों से भूख लगी है प्लीज। इतनी रात तक भटकता रहा, खाना नहीं खा सकता था, पैसे नहीं थे तेरे पास। ताऊ जी दरअसल आज आपके हाथों से खाने को बहुत जी कर रहा है, मुझे तो याद नहीं है लेकिन बचपन में आप ही मुझे खिलाया करते थे, है ना ताऊ जी? तू इतना दुख देता है कि आंसू निकल पड़ते हैं और इतना सुख भी कि फिर आंसू निकल पड़ते हैं। तुझे तो मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा ही, लेकिन अब मेरी उम्र भी हो गई है कि तू मुझे अपने हाथ से खाना खिलाए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े एक बराबर हो जाते हैं। लेकिन देर से आने का एक जुर्माना। वो क्या ताऊ जी? वो कुर्सी तू जलाएगा। बिल्कुल। लीजिए ताऊ जी। भाई तुम लोग खाना शुरू करो, हम तो आज अमृत पान कर रहे हैं। ये ले। बचपन नहीं। अजय 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 सो गए क्या? यहाँ अजय नहीं अमर सो रहा है। अजय को ढूंढना है तो किसी और घर में जाके ढूंढिए। अरे वाह ये तो नींद में भी रोल में सो रहा है। ये तो शक्ल से ही उच्च कोटि का कलाकार लगता है। भाई सुबह का अखबार आने में भी वक्त है, बीच रात में आकर क्यों खबर सुना रहे हैं? अरे भाई हमारा वो पिछला कहा सुना माफ कर देना। तूने तो क्या सीन फिट किया यार। भाई साहब अब तुम्हें पूरी तरह से अपना भतीजा समझने लगे हैं। वाह भाई वाह कितने महान हैं आप लोग, मेरा लिखा हुआ सीन इस वक्त आकर मुझे ही सुना रहे। वाह वाह वाह। भाई हम तो सिर्फ ये कहने आए थे उस नर्स का इस घर से कुछ इंतजाम कर दो, मेरा कहने का मतलब है इस घर से उसका पत्ता काट दो। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं सो रहा था? इस वक्त मैं उसी सीन के बारे में सोच रहा था, खामखा के डिस्टर्ब कर दिया। सोचने दो सोचने दो, एक्टर लोग ऐसे ही सोचते हैं, रीटा भी ऐसे ही सोचती है। गुड नाइट गुड नाइट। हेलो हेलो कामनी। हाय आज के बारे में कुछ याद है? अरे बाबा मुझे याद है, मैं तुम्हारे पास ही आने की तैयारी कर रही हूँ। जल्दी आना डालें। अभी आई। बाय बाय।
क्या देखा उस नर्स का चाल चलन? एक ग्लूकोज की बोतल दो दो मरीजों को चढ़ा रखी है। यह रोमांस दीनानाथ के साथ और बाहर अपने आशिक के साथ। ये तो एक एमटीवी का प्रोग्राम दो दो चैनल पर चल रहा है। यहाँ भी गाना वहाँ भी गुनगुनाना। पैसा दीनानाथ का बटोर लेगी और प्यार अपने आशिक का। माफ कीजिएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपके किटी पार्टी का वक्त है। कामिनी के कैरेक्टर पर कमेंट्री करने के बजाय अगर हम लोग ये सोचे कि हमें अब आगे क्या करना है तो बेहतर होगा। तुम औरतों की बातों में मत पड़ो। ये सोचने का काम हम मर्दों का होता है और मैं सोच चुका हूँ। तुम सीधे दीनानाथ के पास जाओ और उन्हें जाके उस नर्स की हकीकत बताओ। ठीक है मैं तो अभी चला जाता हूँ। लेकिन कहीं अगर ताऊजी को मुझ पर शक हो गया और सारी की सारी हकीकत बाहर आ गई तो आप लोगों की कहानी तो यहीं खत्म हो जाएगी। The end. क्यों? नहीं 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 हम ये चांस नहीं ले सकते। आप लोगों में से भाई साहब को जाकर कोई बता क्यों नहीं देता? उन्हें हमारी बातों पे भरोसा ही नहीं। अगर आप लोग सीधा सबूत लेकर उनके पास जाएंगे तो उनको आपकी बातों पर भरोसा जरूर होगा। उस नर्स और उसकी आशिक की तस्वीरें जाकर दीवान दीनानाथ जी के सामने पटक दीजिए। कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तस्वीरें आएंगी कहाँ से? मामूली सी बात है, कोई 24 घंटा उस पर नजर रखे। हाँ ये काम रमेश कर सकता है। नहीं 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 रमेश नहीं, नजर इन्हें कहीं रखनी पड़ती है और ये पहुँच कहीं और जाते हैं। पता चला शेर के शिकार के लिए भेजा था, खुद ही शिकार होकर वापस आए। कहीं नर्स इन्हें निगल गई तो? मुझे तो लगता है इस काम के लिए आनंद भैया। नहीं 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 मैं ये रिस्क क्यों लूं? सुना है सुभाष तस्वीरें अच्छी खींचता है। अरे नहीं नहीं ये और तस्वीरें इन्होंने तो कभी कैमरा पास से देखा तक नहीं है। अच्छा चलिए मान लीजिए ये तस्वीरें मैं आपको खींच कर ला के दूं। जब सब पीछे हट रहे हैं तो तुम्हें क्या पड़ी है? अच्छा ठीक है ये तस्वीरें मैं ही आपको ला कर दे दूंगा। लेकिन दीवान दीनानाथ जी को ये तस्वीरें दिखाने आप में से जाएगा कौन? और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई और भी ये पंगा लेने के लिए तैयार होगा। नहीं इसलिए मुझे जो करना है खुद ही करना होगा। अरे क्या हुआ? कामनी मैं यहीं से टैक्सी पकड़कर ऑफिस चला जाता हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों हमेशा मुझे यही खतरा लगा रहता है कि हमें कोई साथ देख न ले। असल खतरा तो उस अमर से लगता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये दीनानाथ का खोया हुआ भतीजा है। ये उसका अचानक से यहाँ पे टपकना इत्तेफाक हो सकता है कामनी, मगर तुम अपना हर कदम ये दोनों बातों को ध्यान में रखकर उठाना कि मुमकिन ये भी है कि ये अमर असली अमर हो और गुंजाइश ये भी हो सकती है कि ये नकली हो। विनोद अमर की असलियत का पता नहीं लगाया जा सकता? तुम्हें इस सब में पड़ने की जरूरत नहीं है। दीनानाथ जी को लेकर जो हमारा प्लान है हमें उसी के मुताबिक चलना है और तुम वही करती रहो जो तय हुआ है। कामनी आज से हम जितना कम से कम मिलें और तुम जितना दीनानाथ जी के आस पास रहो उतना अच्छा होगा। ताऊजी ताऊजी होलसेट क्या भाव लगाता है? अचेंट तने बेचनी है? नहीं नहीं सिर्फ आपको दिखाने के पैसे मांग रहा हूं। अरे क्या सेठ तुम भी बेचने का ना यार। मन ने तो अचेंट बड़ी भारी लागे है। सेठ जी अगर इसके भारी दाम दोगे तो इससे भी भारी माल है मेरे पास। रुपया तो चौखा मिलेगा सेठ, पन भाव तो वजन करा के कह सकूं। रुको मैं अबार आऊं। अरे जरा जल्दी आना सेठ। दीवान साहब सब जगह तलाश कर लिया लेकिन वो चेन कहीं नहीं मिली। फिर वो चेन गई कहां? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इस हवेली में ना कोई बाहर से आया ना कोई बाहर गया। सोने की चेन तो एक मामूली चीज है लेकिन दीवान दीनानाथ के यहाँ चोरी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। बड़े भैया हम लोगों में से आजकल तो उस कमरे में कोई आता जाता भी नहीं है। कामिनी तुमने तो वो चेन नहीं देखी?
भाई साहब के कमरे में तो तुम्हारे सिवा आपको आता जाता नहीं। तुम्हारा मतलब है कि वो चेन? नहीं, हम लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं। ये कहना ही चाह रही थी कि शायद तुम चेन रखकर कहीं भूल गई हो। मैं तुम लोगों का मतलब अच्छी तरह से समझती हूँ। हमारे भरोसे का मतलब अगर तुम समझती हो मिनी, तो किसी की बात समझने की तुम्हें जरूरत नहीं। भैया, चोर तो हम में से ही कोई एक है ना, और हम में से यहाँ सिर्फ एक आदमी मौजूद नहीं है। अमर, वो कहाँ गया? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि जब वो यहाँ लौट कर आए तो उसे हम पूछेंगे, शायद वो कुछ चेन के बारे में जानता हो। अमर के बारे में भाई साहब सब कुछ जानते हैं। ये भी कि वो यहाँ आने से पहले क्या था और यहाँ पे क्यों आया। मिनी, चल। आनंद, कौन है? चल। इंस्पेक्टर तांबे, ये कैसे आना हुआ? दीवान साहब, ये शख्स आपकी सोने की चेन ज्वेलरी शॉप में बेचते हुए पकड़ा गया है। अब देखूं जरा ये चेन। ये चेन, इंस्पेक्टर, कल ये शख्स बाजार में दीवान दीनानाथ को बेचता हुआ भी दिख जाए तो इस पर शक मत कीजिएगा। ये तो हमारा लाडला भतीजा अमर है। भतीजा? हाँ, ये सोने की चेन हमने इसे बाजार में बेचने के लिए भेजा था। जब से ये चेन हमारे घर में आई है, हमारी तो किस्मत ही सो गई है। और बदकिस्मती देखिए कि आप फिर इसे हमारे ही घर में ले आए हैं। आई एम सॉरी दीवान साहब, वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट मिस्टर अमर, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ताऊजी प्लीज, प्लीज ताऊजी, आप मुझे डांटिए, मुझे मारिए, मुझ पर कोड़े बरसाइए, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं। मुझसे इस तरफ पीठ मत मोड़िए, मत मोड़िए। मैं तुझे बड़ी से बड़ी सजा भी दे दूं अमर, लेकिन जो सजा तूने मुझे दी है उसके आगे हर सजा बहुत छोटी होगी। ताऊजी प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए ताऊजी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ताऊजी, दीवान दीनानाथ का इज्जतदार भतीजा मैं एकदम से कैसे बन जाऊं ताऊजी? ताऊजी, इतने साल मुझे रोकने टोकने वाला, रूठने मनाने वाला, मुझे डांटने सजा देने वाला कोई था ही नहीं। जो जी में आता वही करता। मुझे जुए की बहुत बुरी आदत पड़ गई थी ताऊजी, और आप नहीं जानते, जब मैंने इस मंदिर में कदम रखा था मेरे पैर पूरी तरह की जड़ में धंसे हुए थे, मेरे सर पर 3 लाख रुपए का कर्ज था जो मैं जुए में हार चुका था। और ताऊजी, पूरी तरह आपका भतीजा बनने से पहले मैं अपने सर से हर कर्ज को उतार देना चाहता था, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मुझे ये आखिरी चोरी करनी पड़ी। माफ कर दीजिए ताऊजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अमर, तू एक बार अपने ताऊ से कहकर तो देखता, वो तेरे सारे कर्जदारों को बिना मोल भाव के खरीद लेता। अरे दीवान दीनानाथ चौधरी इतना भी गरीब नहीं के जुए में हारे हुए 3 लाख रुपए की पेमेंट के लिए वो अपने भतीजे को चोरी करने पर मजबूर करते। अरे अमर, दुनिया में जुआ कौन नहीं खेलता? बादशाह तख्त के साथ जुआ खेलता है, सिपाही तलवार के साथ जुआ खेलता है, मुदब्बर कलम के साथ जुआ खेलता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो कौड़ियों और पैसों से जुआ खेलता है। पैदा कर
आज के बाद तू जिंदगी में जुआ कभी नहीं खेलेगा। कभी नहीं ताऊजी, कभी नहीं। राम सिंह जी साहब, तिजोरी में से 3 लाख रुपए निकालकर अमर को दे दो। जी। जा और आज ही अपने कर्जदारों का कर्जा उतार कर सर ऊंचा करके अपने ताऊ के पास वापस आ। राम सिंह ले जाओ इसे, जाओ अमर। ये 3 लाख रुपए लेकर खिसक रहे थे? बटुए ने कभी 100 रुपए का मुंह नहीं देखा और कहते जुए में 3 लाख आ गया। ये हमारे हक का पैसा है, इसे हमें लौटा दे। ए घोचो, ये मेरे कलाकारी का इनाम है। अक्सर अच्छा सीन देखने के बाद लोग तालियां मारते हैं और आपके वो दीनाना जी जो है ना वो पैसे उड़ाते हैं। ये पैसा मैंने अपने टैलेंट से कमाया है। क्या इस तरह के सीन दिखा दिखा कर तो तू चौधरी खानदान की पूरी जायदाद अपने नाम करवा लेगा? नहीं नहीं नहीं, पूरे में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। जितने की जरूरत थी उतने का बंदोबस्त मैं कर चुका हूं। भैया जितनी भूख उतनी ही मेहनत, क्यों है? तुझे 3 लाख रुपए मिल गए ना, अब तेरे हम लोगों पे सिर्फ 7 लाख रुपए रह गए हैं, समझा? मैं तुम लोगों से पूरे 10 लाख लूंगा। हम नहीं देंगे तो तू क्या कर लेगा? अरे भाई मुझ जैसा गरीब कलाकार और कर भी क्या सकता है। बस इतना करूंगा कि अंदर जाके दीनानाथ जी के सामने एक नया सीन कर दूंगा जिसमें आपकी सच्चाइयों पर से पर्दा उठ जाएगा। मेरे इनाम के 10 लाख रुपए मैं तो ले लूंगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों का क्या हाल होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब बताइए उस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं? थैंक यू। घड़ी में चाहत की खटिया बिछाई। ऊपर वाले नीली छतरी तले मैंने प्यार की झोपड़ी बनाई। इस झोपड़ी में दिलकश घड़ी में चाहत की खटिया बिछाई। कब होगी हमारी सगाई, ओ कब होगी हमारी सगाई। ऊपर वाले नीली छतरी तले मैंने प्यार
अमर, अमर। अरे गुड मॉर्निंग ताऊ जी। जीते रहो। अमर, जब से तू यहाँ आया है मैं बहुत डरपोक हो गया हूँ। डरपोक? हाँ, शाम को जब सूरज डूबता है तो दिल में एक डर उभरता है। कैसा डर? यही कि तू अभी तक घर पहुंचा है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर कहाँ है, कहीं अपनी नासमझी में किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। ओ ताऊ जी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। अरे मेरे सामने तो बड़ा नहीं हुआ ना। अभी तुझे मेरे सामने भी बड़ा होना है। इस डर को खत्म करने का एक गुर है मेरे पास। वो क्या? वो ये कि इस घर में कोई ऐसी चीज ला के रख दूं कि जो तेरे लौटने की गारंटी हो। ताऊ जी, मैं कुछ समझा नहीं। पहले ये समझ ले कि मैं जो कहने जा रहा हूँ उस पर बहस कोई नहीं। मैं फैसला कर चुका हूँ। ताऊ जी, आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन कौन सा फैसला? तेरी शादी का। अरे तेरे शादी के रिश्ते की बात मैं चारों तरफ भेज रहा हूँ। ताऊ जी, मैं... तू भले ही शादी ना करना चाहता हो पर मैं तेरी शादी करवा के रहूंगा। ताऊ जी, बात वो नहीं है, दरअसल बात तो ये है कि अच्छा अच्छा, इस मामले में भी तेरे दिल पर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है क्या? अरे ये तो सोने पे सुहागा, नो मंगनी पंच ब्याह। जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवा। ताऊ जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो लड़की बहुत गरीब है। लड़की वो तेरे लिए होगी, मेरे घर की वो लक्ष्मी होगी, और लक्ष्मी कभी गरीब नहीं हो सकती। हाँ, ये तुम मुझे कहाँ ले आए जय? चलो बाहर चलो, कोई देख लेगा तो ऐतराज करेगा। अरे सुमन, इस चार दीवारी में किसी का ऐतराज आ ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है। तुम हो मलिका फ्लैट और हम शहंशाह फ्लैट। तुम्हारा मतलब है ये फ्लैट हमारा है? बिल्कुल। तुम बस यूँ समझ लो सुमन कि इतने सालों जो मैंने अपने कला की पूजा की है, आज उसका प्रसाद मुझे एक साथ मिल गया। दीवान दीनानाथ जी के भतीजे का रोल मैंने कुछ इस खूबी से निभाया है कि उनकी खुशी देखकर उनके भाइयों ने मुझे मालामाल कर दिया, और उन्हीं पैसों से मैंने अपनी प्यारी सुमन के लिए एक छोटा सा मगर प्यारा सा घर खरीदा है। कैसा लगा? यानी कि अब हम शादी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन अब तुम्हारी शादी अजय के साथ नहीं, अमर के साथ होगी। अमर के साथ? देखो, दीवान दीनानाथ जी मरने से पहले अपने इस भतीजे अमर के सर पे सेहरा देखना चाहते हैं। अरे मैं तो उन्हें उनके होने वाली बहू का नाम तक बता चुका हूँ। सुमन, अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। प्लीज अजय, मुझे अपने नाटकों में शामिल मत करो। ओ कम ऑन सुमन, उनके भतीजे होने का नाटक तो मैं कर रहा हूँ, तुम मेरे होने वाली बीवी होने का नाटक थोड़ी कर रही हो, वो तो हकीकत है ना? क्या? अमर, तू गलती कर रहा है। ताऊ जी, गलती? बहुत बड़ी गलती। ताऊ जी, मैं कुछ समझा नहीं ताऊ जी। अरे पगले, इतनी अच्छी लड़की मिली है तुझे और तू अभी तक कमारा ही घूम रहा है। हीरा तो ढूंढ लिया लेकिन उसकी कदर नहीं जानता। इससे शादी करने में तूने जितनी देर की है ना, मैं उतनी जल्दी इसे अपने घर की बहू बनाने में करूंगा। राम सिंह जी, दीवान साहब, आज ही पंडित को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाओ जी। और अमर और बेटी, क्या नाम बताया जी? सुमन। अमर और सुमन की शादी का ऐलान करवा दो जी। ताऊ जी, बाबूजी, बड़ों का फैसला हमारे लिए हुक्म है, पर आज्ञा हो तो मैं अपने मामा जी को ये खुशखबरी सुनाकर उनकी भी इजाजत ले लूं। भाई आज ही शाम को हमारे घर पर उनकी दावत? बाबूजी, वो तो बंबई में रहते हैं, मुझे वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और तुम्हारे माँ बाप? एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ओ, मेरे जैसा दर्द तेरे सीने में भी है। तू बहू बनकर आएगी ना तो मैं तेरी वो कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। जा बेटी, अपने मामा जी से इजाजत लेकर आ जा, तब तक मैं इस नालायक को लायक बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ वकील साहब,
कल जो कागजात दिए थे वो चेक कर लिए ना? सारे चेक कर लिए, नॉट टू वरी। ओके। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अमर जी, यही है वो ऑफिस जहां हमने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। दीवान दीनानाथ ने जो हस्ती जो वजूद बनाया है वो सब इसी ऑफिस की बदौलत है। आज से ये ऑफिस तुम्हारे हवाले, इसकी देखभाल तुम करोगे। ताऊजी ऐसे भी क्या जल्दी है, पहले यहां का सारा कामकाज तो सीख लूं, उसके बाद ये जिम्मेदारी भी उठा लूंगा। जिम्मेदारी जब कंधों पर पड़े तो काम जल्दी समझ में आ जाता है। और फिर हमने सुमन से वादा किया है कि हम बहुत जल्द तुम्हें उसके लायक बना देंगे। लेकिन ताऊजी। गुड मॉर्निंग सर। आपने मुझे याद किया सर? हाँ, विनोद ये अमर है, हमारा भतीजा। धीरे धीरे हमारी कंपनी का सारा कारोबार ये अपने हाथ में ले लेगा। ऑफ कोर्स विद योर हेल्प एंड गाइडेंस। अमर ये मिस्टर विनोद, हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर। He is a very dedicated, honest young man. बस ये समझ लो कि हमारी कंपनी के कारोबार की जानकारी हमसे ज्यादा इसे है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई विनोद साहब। मुझे भी। सेम हियर। क्या कह रहे हो कामिनी काशिप? ऑफिस में दीनानाथ का सबसे बड़ा वफादार बना हुआ है। और ऐसा वफादार जिसने उनका पूरा कारोबार अपने हाथों में किया हुआ है। और तो और, जब दीनानाथ जी उस कमजर की तारीफ करना शुरू करते हैं तो वो तब तक नहीं रुकते जब तक उन्हें रोका ना जाए। ये तो बड़ी जहरीली नागन निकली, और उसका जोड़ीदार नाक कुंडली मारकर भैया के बिजनेस पर बैठा हुआ है। कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है कि खुद अपनी प्रेमिका को जानबूझकर दीनानाथ पर डोरी डालने के लिए भेज सकता है? छी, इसमें छी की क्या बात है, करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। उस विनोद को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना? मुझे नहीं लगता, लेकिन उसको लेकर मेरा शक अब यकीन में बदल गया। जब ऑफिस में विनोद से मेरा आमना सामना हुआ तो मुझे देखकर वो कुछ बौखला सा गया था। हाथ मिलाया तो उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। अरे ठंडे तो हम पड़े हुए हैं, सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना, उस नर्स और उसके आशिक पे गाड़ी चढ़ा दूंगा। क्या उम्र है आपकी? ये कोई 45 के आसपास। क्यों? 14 साल कैद बामुशक्कत। यानी आप ये सारी मेहनत रिटायरमेंट के बाद के लिए कर रहे हैं, हैं? ये लड़ाई एतबार की है, कामिनी और विनोद एक तरफ और आप सब एक तरफ। सवाल तो ये है कि दीनानाथ जी किस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, आप पर या उन पर? करते तो उन पर ही है ना, और हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं वो सीन मैं ऑलरेडी सोच चुका हूं। हेलो। हेलो कामनी, आज से ना हम मिलेंगे और ना ही फोन पर बातें करेंगे जब तक ये प्लान कामयाब नहीं हो जाता। क्यों, ऐसा क्या हुआ? आज दीनानाथ जी अमर को लेकर ऑफिस आए थे और वो जिस अंदाज से मुझे देख रहा था, मुझे लगता है उसके हाथ कोई सबूत आ गया है। सबूत? कैसा सबूत? ये मैं नहीं जानता। कामनी तुम अमर पर नजर रखो और देखना कोई गलती ना कर बैठना, वो जरूरत से ज्यादा चालाक लगता है। हाँ, मार्केट जाएंगे और मार्केट के बाद पार्लर भी होकर हम अरे अमर तुम? कुछ काम था? ऐसे ही सोचा तुम्हें गुड नाइट कह दूं। गुड नाइट। गुड नाइट कामिनी, स्लीप वेल। हाँ फिर पार्लर से होकर हम लोग। देखा, इससे पहले कि तुम उस पर नजर रखो उसने तुम पर नजर रखना शुरू कर दिया है। वो जरूर किसी कोशिश में लगा है, होशियार रहना। अब कुछ तो बताओ अजय, तुम्हारा मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों लग रहा है? अब तुम्हें क्या बताऊं सुमन, तुम तो दीवान दीनानाथ जी से मिली हो, कितने कितने भले इंसान है वो। भले ही नहीं अजय, वो तो साक्षात देवता हैं, देवता। मैंने जो उनकी आंखों में सच्चाई देखी है ना, और जो उनकी भावनाओं में गहराई देखी है, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन मैंने उस घर में जो देखा है सुमन, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारा दिल भर आएगा। मैं तो बिल्कुल हिल गया था उनके साथ होता हुआ फरेब देखकर।
दीना नाजी के साथ फरेब? कौन कर रहा है? उनके भाई? अरे नहीं नहीं, उनके भाई तो बहुत भले लोग हैं, बिल्कुल गाय हैं गाय। उस घर में तो सिर्फ एक फरेब है, दीवान साहब की वो नर्स कामिनी। कामिनी? क्या किया उसने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया उसने, आई थी उस घर में एक नर्स बनकर और अब उसने सारे घर पर कब्जा कर रखा है। और पता नहीं दीवान साहब उसका लिहाज करके या उसकी ड्यूटी को एक एहसान समझकर उसे कुछ कहते नहीं, और वो कामिनी मेरा मतलब है कामिनी अपने उस बॉयफ्रेंड विनोद के साथ मिलकर उन्हीं के खिलाफ साजिश कर रही है। मुझे यकीन नहीं होता अजय। सुमन ये सब मैं अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा हूँ। उधर ऑफिस में विनोद ने दीवान साहब के कारोबार की लगाम अपने हाथों में की हुई है, और इधर घर में कामिनी ने उस बेबस अपाहिज को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है ताकि दोनों मिलकर उनकी जायदाद को पूरी तरह निकल जाएं। तो कोई जाकर उन्हें यह बात बताता क्यों नहीं? कैसे बताएं सुमन, सब लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती। सुमन आज अगर उन्हें कोई समझा सकता है तो वो तुम हो। मैं? हाँ सुमन तुम, न जाने तुमने उन पर क्या जादू कर दिया, आजकल वो हर वक्त तुम्हारी ही बातें करते हैं, मेरी होने वाली बहू ऐसी है, मेरी होने वाली बहू वैसी है। सुमन मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूं, दीवान साहब की जिंदगी भर की मेहनत, उनकी कमाई को किसी साजिश का शिकार मत होने दो तुम, बचा लो ने सुमन बचा लो। लेकिन अजय मैं सीधा जाकर उनसे ये सब कुछ कैसे कह सकती हूँ? रास्ता निकल आएगा सुमन, बस तुम हाँ कह दो। सुमन तुमने अपने मामा से इजाजत ले ली, हम ये सुनना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे थे। सुमन हम तीसरी बार तुमसे ये पूछ रहे हैं, तुमने अपने मामा से बात की? हाँ बाबूजी, बात तो की थी, पर वो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कैसी बातें? सुनकर क्या करेंगे बाबूजी, छोटा मुंह और बड़ी बातें। हम सुनना चाहते हैं। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, न जाने वो आपके खानदान के बारे में क्या अफवाह सुनकर आ गए और शादी के लिए शर्तें रखने लगे। मामा जी भले ही मुझे आपकी बहू बनने से रोक लें, लेकिन मैं आपकी बेटी तो बन ही सकती हूँ ना। तुम हमारी बहू ही बनोगी सुमन, हमें पता तो चले कि ऐसी कौन सी शर्त रखी है उन्होंने जो हम पूरी नहीं कर सकते, और क्या अफवाह सुनी है उन्होंने हमारे खानदान के बारे में। वो कह रहे थे कि लोग आपको और कामिनी जी को लेकर बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो कौन है, क्या रिश्ता है आपका और कामिनी जी का, वो इस घर में क्यों है? जब तक कामिनी जी इस घर में है मुझे इस घर की बहू बनने की इजाजत नहीं मिल सकती। वाह सुमन वाह, मेरे ताऊजी ने तुम्हें थोड़ा प्यार क्या दिखा दिया, तुम्हारे घर वाले अब इन पर अपनी शर्तें थोपने लगे। यानी तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब तक कामिनी इस घर में मौजूद है तुम इस घर में नहीं आ सकती, क्यों? ये मेरी शर्त नहीं, मामा जी का कहना है। तो जाओ जाकर कह दो अपने मामा जी से कि अमर खुद उनकी शर्त से इनकार करता है, मैं अपनी खुशी के लिए अपने ताऊजी की खुशी कुर्बान नहीं कर सकता। कामिनी इसी घर में रहेगी, सुना तुमने, चाहे तुम इस घर की बहू बनकर आओ या ना आओ। कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी अगर हमारी शादी नहीं होगी। वैसे अगर तुम अपने मामा जी की मर्जी के खिलाफ जा सकती हो तो। तुम जब अपने ताऊ जी के लिए इतना कर सकते हो तो मेरा भी अपने मामा जी के प्रति कोई फर्ज है। कामिनी जब तक इस घर में है मामा जी जीते जी मुझे कभी इस घर की बहू नहीं बनने देंगे। सुमन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो? आखिर आखिर तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या है? मैं माफी मांगती हूँ आपसे, दुश्मनी नहीं, मेरी एक मजबूरी थी जो मैं बाबूजी को बताने आई थी, और अब मैं चलती हूँ। बहू? नहीं ताऊजी, उसे जाने दीजिए। प्रभाकर को भी एक बार ऐसे ही जाने दिया था, फिर बहुत पछताया था, आज तक पछता रहा हूं। और तू अमर, किस्मत में अपनों से जुदाई ही लिखवा कर लाया है, जो तुझे प्यार करते हैं उनसे तुझे बिछड़ना क्यों पड़ता है? तो मन अपने मामा जी से कह दो
हमें उनकी सब शर्तें मंजूर हैं। इसका मतलब आप? आई एम सॉरी कामनी, आई एम सॉरी। तुमने मुझसे बहुत मुश्किल रोल करवाया है अजय, जैसे मुझसे कोई पाप करवाया हो। नहीं सुमन, नहीं, ये पाप नहीं, ये तो पुण्य था। जो पाप यहाँ चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है, ट्रस्ट मी। ए, तुम ये मुंह पे फकीरी लिए क्यों बैठे हो? अब तो करोड़पतियों वाली बात लाओ। भैया, कामिनी नाम का कांटा था, निकल गया। सुई से कांटा निकालने चले थे, कांटा तो निकल गया, मगर अजय नाम की सुई अटक के रह गई। अजय कामनी से ज्यादा खतरनाक है रेखा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे ना? दे देंगे। अरे 3 लाख तो वो ले भी चुका है, और क्या वट से लिए थे, सीना ठोक कर, कोई कुछ नहीं कर पाया। तब हमारी मजबूरी थी। हाँ, लेकिन तब मजबूरी 3 लाख की थी, और अब ये मजबूरी 80 करोड़ की हो गई है। उसकी नियत पूरी जायदाद पर है। उसने अपनी कलाकारी से दीनानाथ चौधरी को कठपुतली बना दिया है। अब वो सारी जायदाद अपने नाम करवा लेगा। उसके बाप का राजा क्या? लाख रुपया देकर साले की सुपारी उठवा दूंगा, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। हाँ। 1 लाख रुपए भी क्यों देने के? एक तरीका और भी है। क्या? अजय को तैरना नहीं आता, क्यों ना एक दिन बीच पर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया जाए। अरे बीच पर ही क्यों, बंगले का स्विमिंग पूल किस दिन काम आएगा। पर कैसे? हर्षद, तुझे तैरना आता है? हाँ। ना, आज से तू तैरना नहीं जानता। मतलब? अब 20 करोड़ रुपए के लिए पानी में कुछ डुबकियां तो खानी पड़ेगी ना छोटे। बचाओ, अब, अब। कोई कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। अबे हर्षद, ए हर्षद, अबे तुझे तैरना नहीं आता क्या? अरे अरे कोई बचाओ, कोई है? अरे चले, हाथ दे, हाथ दे हर्षद। अरे अरे कोई इसे बचाओ। अबे जा ना, जा बचाओ उसे। हर्षद हाथ दे, चला जा, जा। डॉक्टर साला नहीं कूदेगा। लगी शेफ कूदेगा। अरे काम मर गए सब के सब, अरे ये डूब जाएगा। अरे हर्षद, अबे जा बचा ना, लगता है साला नहीं कूदेगा। लगी शेफ कूदेगा, नहीं कूदेगा। अबे हर्षद, हर्षद मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अमर, अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ रहकर भी क्या कर लेगा? अमर, मैं आया। ये तो गए हमारे 20 करोड़। मुझे मुझे बचाओ। भाई साहब, भाई साहब, रमेश तोमर को संभाल, छोड़ दे। तेरी लापरवाही की दीनानाथ। अरे जरा सा बेहोश क्या हुआ, तू राशन पानी बनाने के लिए दवाइयां लेके यहां पहुंच गया। हां चल, तकिया ऊंचा कर। हाँ। अब अच्छी तरह से होश में आ जा, कह देता हूं। अरे तेरी उम्र तुझे अपनी सेहत से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देती। जब अमर को तैरना ही नहीं आता था तो उसे पानी में कूदने की क्या जरूरत थी? देखा उसका बचपना, तूने उसकी इंसानियत देखी? तैरना न जानते हुए भी हर्षद को बचाने के लिए वो पानी में कूद गया।
अरे मगर तू क्यों पानी में कूदा? तुझे कुछ हो जाता तो? अमर को कुछ हो जाता तो? अमर तो ठीक है ना? हाँ। कहाँ है वो? कहाँ है? ताऊजी, मुझे माफ कर दीजिए ताऊजी, मेरी वजह से आपको। बस कर, तेरी वजह से बेटा लगता है आज मुझे प्रभाकर की माफी मिल गई। आ इधर आ। अरे आओ ना। अरे इधर नहीं, इधर आ, इधर आ। डॉक्टर पीछे हट, पीछे हट, हटो ना पीछे। ताऊ जी, बहू यह गलत बात है। इस छत के नीचे तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। बाबूजी, आप बेहोश क्या हुए? हमारी जिंदगी को सूर्य ग्रहण लग गया, अचानक एक अंधेरा सा छा गया। बहू, अब ये सूरज बूढ़ा हो गया है, डूबने की तैयारी में है। ऐसी बातें मत कीजिए बाबूजी। जी तो ली पूरी जिंदगी, हो गए सारे फर्ज पूरे। अब तो जिस दिन मूड आया, खुदा हाफिज, गुड बाय। लेकिन नहीं, अभी एक आखिरी फर्ज पूरा करना है। राम सिंह जी साहब, अपने वकील साहब को बुलवा भेजो, उनसे कहो कि हमें अपना वसीयत नामा तैयार करना है। जी बहुत अच्छा। और सुनो जी, ये डॉक्टर को ले जाओ। आइए डॉक्टर साहब। दीनानाथ, तू बाज नहीं आएगा। चलिए। दीवान दीनानाथ चौधरी की पूरी जायदाद करीब 80 करोड़ रुपए की है। इनकी वसीयत के मुताबिक पूरी जायदाद के 5 बराबर हिस्से किए जाएंगे। उनमें से 4 हिस्सों के हकदार होंगे इनके छोटे भाई आनंद चौधरी, रमेश चौधरी, सुभाष चौधरी और हर्षद चौधरी। जायदाद के 5वें हिस्सेदार होंगे इनके भतीजे अमर चौधरी। यानी कि सबके हिस्सों में 16-16 करोड़ रुपए आएंगे। 16 करोड़? ये हरामी ले जाएगा। और हमें 4-4 करोड़ का टोटल लॉस। बड़े भैया, हमारा अभी बच्चा है, इसके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी से ना डाली जाए तो। हाँ बाबूजी, अमर को जो कमाना है उसे खुद मेहनत करके कमाने दीजिए। और आपके भतीजे भतीजों को कब कहाँ और कैसे सौंपना है, वक्त आने पर हम चारों भाई कर लेंगे। रमेश, मेरे 5 भाई थे, जायदाद भी 5 बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। फर्क इतना है कि प्रभाकर का हिस्सा उनके बेटे अमर को मिलेगा। वकील साहब। जी दीवान साहब। कार्रवाई शुरू कीजिए। जी। यहाँ किस जायदाद के 5 हिस्से करके अपना दिल बहला रहे हो दीनानाथ जी? विनोद, क्योंकि तुम्हारी जायदाद पर तो सिर्फ हमारा हक है दीवान दीनानाथ चौधरी। जायदाद पर तुम्हारा हक? क्या बक रही हो? तो क्या तुम्हारी सेवा हमने फोकट में की थी? सेवा की है तो मेवा भी मिलना चाहिए, सो मिल गया। इतने सालों से तुम्हारे कारोबार को संभाल कर रखा, क्या सोचकर? यही ना कि तुम्हारी मौत के बाद इन सब के वारिस हम होंगे। लेकिन तुमने मेरी मेहनत के फल का फ्रूट चाट बनाकर इन रिश्तेदारों में बांट दिया। मुझे तो तुम पर भरोसा भी नहीं है। पहले तो कामिनी को घर से निकाल दिया, कल मुझे भी हकाल देंगे। ए, तेरे बाप का राज है, तेरी वफादारी और मेहनत की कीमत 80 करोड़ है क्या? दिमाग फेर गया दोनों का। अपनी फीस का हिसाब किताब जोड़कर भिजवा देना, चुकता हो जाएगा। ये रहा मेरे और कामनी के फीस का हिसाब किताब। लीजिए वकील साहब, आप पढ़िए, क्योंकि ये कानूनी चिट्ठी है। दीनानाथ जी, इस लीगल नोटिस के मुताबिक तो आपकी पूरी जायदाद ही नहीं बल्कि ये बंगला, आपकी सारी प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, एक एक चीज पर विनोद और कामनी का हक हो गया है। विनोद, नमक हराम, कागजात की हेरा फेरी करके, वफादारी की काली पट्टी मेरी आंखों पर चढ़ाकर, यहां वहां मुझसे दस्तखत करवाकर तू मेरा एक एक पैसा हड़प कर गया। हरामजादे, तू तमीज से और नीची आवाज में बात कर।
तुम लोग अपने भैया के बंगले में नहीं बल्कि मेरे बंगले में बैठे हो और गनीमत समझो कि तुम लोगों को धक्के मारकर नहीं निकलवा दिया, लेकिन कल तक ये बंगला खाली हो जाना चाहिए। समझ गए सब लोग? चलो कामनी। अरे तुम लोग सब दुखी क्यों हो गए? रुपया ही गया है ना, किसी की जान तो नहीं गई। जब मैंने कारोबार शुरू किया था तो मेरे पास क्या था? कुछ नहीं। और अब जब कुछ नहीं है तो फिर मातम काहे का है? लेकिन ताऊजी, अब आप करेंगे क्या? कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? अब तो ये बंगला भी। अरे तू क्यों फिक्र करता है, जब दीनानाथ के पास चार चार भाई हैं, तू है। अरे जब सारा खानदान मेरे साथ है तो मैं तो 80 करोड़ से कहीं ज्यादा अमीर हूं। जरा बेशर्मी की हद तो देखो, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान करवा दिया और ये कहता है कि इसको कोई फिक्र नहीं। वाह भैया वाह। अरे काहे के भैया, ये तो उस नमक हराम और उस चम्मक छल्लो के सगे निकले। बहू, इन बहुओं को झोंक दिया ना चूल्हे में, घर बार छोड़कर इतने दिनों इनकी तीमारदारी की और नतीजा खाली हाथ। हाथ खाली कहाँ, अब इस दिवालिया दीनानाथ का बोझ पड़ गया ना हम पे। जिंदगी भर ये दीवान दीनानाथ बना ऐश करता रहा और जब ये भिखारी हो गया तो भाई भाई करने लगा। आए थे इसका क्रियाक्रम करने, लेकिन इसने तो हमारा ही क्रियाक्रम कर दिया। 80 करोड़ की जायदाद पराए आदमी के नाम कर बैठा। अंधे, तुझे धंधा करना भी नहीं आया? धंधे पर ध्यान था ही कहां, कामिनी के साथ गोरख धंधा जो चल रहा था सारा ध्यान तो उसके ठुमकों पर लगा रहता था। अरे बुढ़ापे में जवान होने की कीमत 80 करोड़। बस बस करो तुम लोग, बहुत हो गया। अब एक लफ्ज और निकला तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। ए भाड़ नौटंकी बाज, अपना पेटी बाजा उठा और दुकान बढ़ा। तेरे नाटक के शो के पैसे तक डूब गए, बुड्ढा फकीर हो गया फकीर। तेरी तो अमर चाचा पर हाथ नहीं उठाते। कौन किसका चचा बुड्ढे, ये तेरा चश्मे बद्दूर भतीजा अमर नहीं है, ये तो कोई सड़क छाप नाटकबाज अजय है। इसे 10 लाख में तेरे भतीजे की एक्टिंग करवाने के लिए लाए थे, सारा शो ही फ्लॉप हो गया। 10 लाख? सुमन, अरे क्या क्या नहीं किया इस बुड्ढे के लिए, अब 10 रुपए का कटोरा भी खरीद के दे दो इसे। अरे रहने दो रहने दो, वरना कटोरा लेके हमसे भीख मांगना शुरू कर देगा। मरने दो इसे यहाँ, चलो वापस चलो। अरे मरेगा तो अब इसे कंधा कौन देगा, व्हील चेयर लेकर खुद ही शमशान घाट चला जाएगा। अरे ये तो पहले ही मर चुका है, चलो जा, चलो चलो। अरे चलो, मुंह क्या देख रहे हो, चलो। यानी तू, तेरा प्यार उस 10 लाख रुपए के लिए था? इस अपाहिज बूढ़े के साथ इतना बड़ा फरेब? 80 करोड़ जाने का मुझे कोई गम नहीं, इन्हीं हाथों से कमाए थे, इन्हीं हाथों से गवा दिए, मगर तूने दीनानाथ को कंगाल कर दिया। अमर की यादों की चिता मेरे सीने में जलाकर मेरी जिंदगी को बेमैनी कर दिया, थूक दिया मेरे जज्बात पर। सुमन, तुम यहां से चले जाओ अजय, तुम्हारी असलियत मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो सुमन, मैं तो माफी माफी गलती की दी जाती है, पाप की नहीं। मुझे तुमसे नफरत हो गई है अजय,
तुमने मेरा, मेरे प्यार का इस्तेमाल अपने एक पाप के लिए किया और बाबूजी के प्यार को व्यापार बना दिया तुमने। हाँ, कुछ पैसों के लिए तुम वो ढोंग, वो दिखावा, वो एक्टिंग करते रहे और मुझे कहते थे कि हाँ मैंने पाप किया है, लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया सुमन? किस लिए? अपनी किसी अय्याशी या शौक पूरा करने के लिए तो नहीं किया ना? ये सब मैंने अपने उस सपने के लिए किया, अपने उस छोटे से घर के लिए जहां हम दोनों मिलकर। उस छोटे से मकान के लिए तुमने बाबूजी की पूरी दुनिया उजाड़ दी। 15 साल तक जिन यादों को वो हर पल जीते रहे, उन यादों का खून कर दिया तुमने। उम्र से ज्यादा आंसू दे दिए उन्हें। अजय, तुम चोरी करते, डाका डालते तो भी शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, पर तुमने बाबूजी के साथ, जिनकी हर सांस का मकसद तुम बन गए थे। सुमन, मैं इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती। ये हर हाल में एक गुनाह है, और जब तुम बाबूजी के प्यार के साथ ये सुलूक कर सकते हो तो जाने मेरे प्यार के साथ क्या हश्र करोगे। वैसे भी जिस अजय को मैं प्यार करती थी वो तो शायद तुम्हारे अंदर मर चुका है, और तुम्हें मैं नहीं पहचानती। सो प्लीज, तुम यहां से चले जाओ। उठाओ 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 ये सारे प्लेटफॉर्म सीढ़ियों पर से, यहां सब चलने फिरने वाले लोग रहते, कोई आपाइज नहीं है। ले जाओ, उधर ले जाओ। अरे राम सिंह, ताऊजी कहां है? अब वो यहां कहां? ये विनोद साहब का बंगला है। अरे लेकिन वो गए कहां? अरे अब वो कहां जाएंगे? सरकार ने बेसहारा बुढ़ों के लिए वो एक आश्रम जैसा कुछ बनाया है, वो क्या कहते हैं उसे, वृद्धाश्रम। हाँ वही, उन्होंने आश्रम फोन किया, उनकी गाड़ी बुलाई और चले गए। लेकिन राम सिंह, तुमने उन्हें अकेले जाने क्यों दिया? तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए था। क्यों क्यों जाना चाहिए था? मेरी तनख्वाह देने की हैसियत उनकी नहीं रही थी। जब तक वो मुझे तनख्वाह देते थे मैं उनकी सेवा करता था, अब विनोद साहब तनख्वाह देते हैं तो उनकी सेवा। राम सिंह, तुम भी वैसे निकले। तुम भी तो वही हो अजय बाबू। अरे ये सब माया का खेल है, माया का। अब ये 1500 की क्या जरूरत है? सोच रहा था नया चश्मा बनवा के कुछ किताबें खरीद लेता, या वो काटना बहुत मुश्किल हो रहा है छोटे, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इस उम्र में पढ़कर क्या करोगे? आपके जीने के शौक पूरे करते करते मुझे बुढ़ापा आ गया, आपकी जरूरतों का तांता ही खत्म नहीं होता। वाह छोटे वाह, तू 6 महीने में ही थक गया। बचपन से लेकर जवानी तक ही तुम्हारी जरूरतें पूरी करते करते मैं तो नहीं थका। जा इतना तो कर, बड़े भाई की जाकर मौत की दुआएं मांग। जा क्या चला जा। भाई साहब, फिलहाल तो 1000 रुपए हैं, पेंशन आने पर 500 और दे दूंगा। लीजिए ना, आपको ऐनक बनवानी है, किताबें खरीदनी है, रख लीजिए ना। पढ़ने का शौक आपको भी है, पढ़ने का शौक मुझे भी है, खूब गुजरेगी जब मिल बैठ कर पढ़ेंगे दीवाने दो। वाह, ये भी क्या जगह है जहां अपने बेगाने हो जाते हैं और बेगाने अपने। ताऊजी, आपका शो अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो 80 करोड़ रुपया लेने के लिए जो नाटक किया था वो तो गए, पर्दा गिर चुका है।
अब तो दीनानाथ के पास आपके शो के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। फिर अपना वक्त जाया करने के लिए क्यों खामखा यहां चले आए? अरे जा, दुनिया में बहुत दौलतमंद हैं, उन्हें अपनी एक्टिंग दिखा और पैसा बटोर बटोर। ताऊजी, यकीन जानिए ताऊजी, आज आज मेरे अंदर क्यों शैतान का शौक खत्म हो चुका है। मर गया वो हैवान, अब तो जिंदगी भर मुझे अमर का रोल निभाना है, आपके अमर का। और ताऊजी, इस अमर के होते हुए आप यहां कैसे रह सकते हैं? चलिए चलिए मेरे साथ। नहीं, उस दुनिया में भी रहकर देख चुका हूं, उस दुनिया का धोखा, परे, लालच यहां की दुनिया से बहुत ज्यादा दर्दनाक है। और फिर जब मेरे अपने मुझे दफन कर चुके हैं तो तू पराया होकर इस कब्र को खोदकर क्यों एक जिंदा लाश का बोझ अपने कंधे पर लेने आया? जा, चला जा यहां से अजय। ताऊजी, आप मुझे अजय नहीं बुला सकते, समझे आप? ताऊजी मुझे डांटिए, मुझे मारिए, लेकिन अपना अमर समझकर। जब से मैंने होश संभाला है अपने आप को अनाथ पाया, लेकिन ताऊजी आपसे मिलने के बाद मुझे एक नई दुनिया मिल गई है। मुझे अजय बुलाकर मुझे दोबारा अनाथ मत कीजिए आप, मुझसे मेरी ये दुनिया मत छीनिए। नहीं ताऊजी, आपने अपनी जायदाद गवाई और बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं अपनी ये जायदाद नहीं गवाऊंगा। अमर, ये तू मुझे कहां ले आया? किसका घर है ये? आपका ही घर है बाबूजी। सुमन, तू भी मजाक कर रही है, ये घर मेरा कैसे हो सकता है? ताऊजी, आपसे झूठ बोलकर जो 3 लाख रुपए मैंने आपसे लिए थे उससे मैंने ये घर खरीदा था, तो ये घर आप ही का हुआ ना? लीजिए ताऊजी, इस घर के कागजात। इन कागजात को लेकर मैं क्या करूंगा? ये इधर क्या है ताऊजी? बाबूजी, ये आपका ही घर है, आप यहीं रहेंगे। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता, ये बहुत छोटा है, मेरा दम घुट जाएगा। ताऊजी समझने की कोशिश कीजिए, अब आप वो दीवान दीनानाथ चौधरी नहीं रहे, इस गरीब भतीजे के ताऊजी हैं बस। और ताऊजी, फिलहाल इससे बड़ी जगह ले पाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है ताऊजी, प्लीज, आज हमारी हैसियत पसंद नापसंद वाली नहीं रही। और वैसे भी आपकी जायदाद में बस ये घर है जिस पर आपका कोई नमक हराम कब्जा नहीं कर सकता। दीनानाथ जी यहां नहीं रह सकते। नहीं रह सकते? कौन कहता है नहीं रह सकते? कौन रोकेगा इन्हें? तुम? इस घर के कागजात किसी के पास गिरवी नहीं है विनोद साहब, और यहां किसी नमक हराम को आने की इजाजत भी नहीं है। Get out! चले जाओ यहां से। अमर, विनोद ठीक कह रहा है, मैं यहां कैसे रह सकता हूं? आप यहां कैसे नहीं रह सकते ताऊजी? अगर मैं यहां रहूंगा तो फिर उस बंगले में कौन रहेगा? बंगले में? आपको हो क्या गया ताऊजी? वो बंगला तो अब इस नमक हराम विनोद का हो चुका है। विनोद नमक हराम नहीं है, नमक हरामी का रोल कर रहा था। क्या मतलब है आपका ताऊजी? यही भतीजे, कि तेरा ताऊ तुझसे भी बहुत बड़ा एक्टर है। जिस तरह तू उस चंडाल चौकड़ी यानी मेरे चारों भाइयों के साथ मिलकर मुझे नाटक दिखा रहा था, उसी तरह मैं विनोद, राम सिंह,
और कामनी के साथ मिलकर अपने भाइयों को नाटक दिखा रहा था। लेकिन अमर, मैंने तेरे साथ कोई नाटक नहीं किया। तुझे शुरू से ही अपना खोया हुआ भतीजा समझता रहा। और यूं ही समझते रहिएगा ताऊजी, अब हमारा रिश्ता कोई नाटक नहीं, एक हकीकत है। राम सिंह जी साहब, अब बाकी रिश्तों की हकीकत से भी पर्दा उठा दिया जाए। हमारे भाइयों को खुशखबरी भेज दो कि सब कुछ वापस मिल गया है, सब कुछ। गई फिर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाने। वाह वाह, होंठों पे मिश्री और मुंह में डंक भैया। अरे इस रिश्ते को तो तुम चारों भाई और तुम्हारी बीवियों ने मिलकर कसाईयों की तरह काट दिया, और अब फिर अपने लालची कंधों पर मेरा जनाजा उठाने आ गए। भैया आप हमें गलत समझ रहे हैं। गलत तो तुम लोग समझ रहे थे बेवकूफों, जो ये समझते रहे कि दीनानाथ की जायदाद दौलत पैसा सिर्फ 80 करोड़ है। दीवान दीनानाथ चौधरी की हैसियत 800 करोड़ है। सोचते थे कि यह अपाहज बूढ़ा मर जाएगा, तो सगे भाई होने के नाते राम नाम सत है कि चार नारे मारकर चारों भाई मेरी जायदाद हड़प कर लोगे, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाला कहां था। ये व्हीलचेयर, डॉक्टर विनोद, कामनी, राम सिंह, यह तो एक धोखा था, सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम लोगों की नीयत क्या है, असलियत क्या है। दिवालिया होने का दिखावा इसलिए था कि पता चले कि कंगाल दीनानाथ के अपने सगे कौन हैं, और अपने सगे निकले ये पराए लोग जिन्होंने दीनानाथ के दर्द पर खून के आंसू बहाए, और मेरे अपने खून वालों ने आंखों से आंसुओं की बजाय मुंह से राल टपकाई। अरे पैसा किसको प्यारा नहीं, यहां पैसों की जरूरत हर एक को है। अमर भी पैसों के लिए तुम लोगों के साथ मिल गया, लेकिन फर्क इतना था कि ये गरीब जरूरतमंद था और तुम लोग लालची, भूखे गिद्धों से भी ज्यादा लालची। भैया हमें माफ कर दो भैया। जाओ माफ किया। रुक जाओ, मैंने कहा था जाओ माफ किया। गेट आउट, गार्ड। अगर ये लोग 5 मिनट के अंदर इस बंगले से बाहर ना जाएं तो इन्हें धक्के मारकर निकाल दो और इनकी गाड़ियों को आग लगा दो। गेट आउट यू। ये मेरा नया वसीयतनामा है। जायदाद तो अब भी बराबर के 5 हिस्सों में तकसीम हुई है, पर कितना है कि नाम बदल गए हैं। 4 तो मेरे सामने खड़े हैं और 5वां मेरे पीछे खड़ा है, राम सिंह। मालिक आप पहले ही मुझे इतना दे चुके हैं और अब ये। अरे राम सिंह, तेरा हिस्सा क्या मैं लेकर अपने साथ ऊपर जाऊंगा। बहु इसको रखने की हकदार भी तुम ही हो। थैंक यू जी। विनोद, कामनी, राम सिंह जी, मालिक